जी पास्ट की क्लासेस में जो लास्ट चार क्लासेस हुई हैं उसमें हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, करंट अफेयर्स को समझने के लिए आपके काम आएंगे उनको हमने कवर किया है। आज की क्लास में बाकायदा से हम पाकिस्तान अफेयर्स जो CSS का सिलेबस है उसके टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ये FPSC के सिलेबस से ही मैंने एक एक्सट्रैक्ट आपके सामने रखा है, ये CSS के सिलेबस, पाकिस्तान अफेयर्स के CSS के सिलेबस का ये चैप्टर है, दैट इज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को समझने के लिए आपने हिस्ट्री को समझना ज़रूरी होता है। आप नज़रिया पाकिस्तान को डायरेक्टली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बिना हिस्ट्री की मालूमात के वो वेग सी नॉलेज होगी। सो इसमें आपने मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट को समझना होता है, या रूल डाउनफॉल इसका क्यों हुआ और क्या मूवमेंट्स थी जिसके जरिए मुसलमानों को रिफॉर्म किया जा रहा था, शेख अहमद सिरिंदी की क्या सर्विसेज थी, शाह वली उल्लाह की क्या सर्विसेज थी, सैयद अहमद से शहीद की क्या सर्विसेज थी मुसलमानों को मुख्तलिफ वक्तों में रिफॉर्म करने के लिए। उसी के साथ साथ अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद, नदवा और उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे सिंध मदरसतुल इस्लाम, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इनका क्या रोल था मुसलमानों के स्ट्रगल में और इस्लाम को सही मायने में लोगों तक पहुंचाने में। और उसी के बाद हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान को स्पीचेस में या स्टेटमेंट्स में जो हमारे फाउंडर्स हैं कायद अजम मोहम्मद अली जिना और अलामा इकबाल की स्पीचेस में और इनके स्टेटमेंट्स के जरिए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लेन किया जाता है। सो आज के इस लेक्चर में हम मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट पे फोकस करेंगे, इसकी हर डायमेंशन को कवर करेंगे। इस एरिया से, पाकिस्तान अफेयर्स के इस एरिया से हमेशा एक दो सवाल आते ही आते हैं। सो आइडियोलॉजी पे आ जाए, टू नेशन थ्योरी पे आ जाए, या हिस्ट्री पे आ जाए, 40s की डिकेड पे आ जाए, पाकिस्तान मूवमेंट पे आ जाए, तो किसी भी एंगल पे आ सकता है। तो कोशिश यही होगी कि जो भी टॉपिक हम करें उसे ग्रेट डिटेल में करें, हर एक डायमेंशन उसका कवर हो जाए। हमारी आज की इस क्लास का एजेंडा है, या गोल कह लें, कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मेरी कोशिश होगी कि आपको ये सारे डायमेंशन क्लियर हो जाए, आपको पता हो कि मुस्लिम सोसाइटी का एवोल्यूशन या उसकी ग्रोथ जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बड़े सगीर के अंदर किस तरह से हुई, आप ट्रेस कर पाए 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक जो मुस्लिम सोसाइटी इवॉल्व होती रही, फिर 8th सेंचुरी में क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हुई या उसका डाउनफॉल हुआ। आप मैप पे भी हाईलाइट कर पाए आखिर में कि कौन से एरियाज थे जहाँ पे मुसलमानों ने इन्वेजन किया, कहाँ पे मुसलमानों ने मुस्लिम सोसाइटी स्टेबल की, आप मैप पे भी सारी डेवलपमेंट्स को हाईलाइट कर पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के इस लेक्चर के। कोशिश होगी कि लेक्चर के एंड के ऊपर मैं आपसे जब पूछूं तो आप इस पे आने वाले हर सवाल का जवाब दे सकें कि किस तरह मुस्लिम सोसाइटी इवॉल्व हुई, आप डायनेस्टीज को भी बता सकें, आप फैक्टर्स को भी बता सकें, आप मैप पे भी हाईलाइट कर सकें। ये एक इम्पोर्टेंट मैप है, मैं चाहूँगा कि आप सब इसको अपनी कॉपी पे, जर्नल पे ड्रॉ करें। क्लास एंड होने के बाद मैं सबका ये मैप चेक करूंगा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है। अगर आपने ये मैप बनाया होगा तो आपको डेवलपमेंट्स ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी, आप उनको लोकेट भी कर पाएंगे। सो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से यहाँ पे काम नहीं बनेगा, जो मैप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो आपने अपनी कॉपी पे बनाना है।
मेरे साथ आपने ये मैप ड्रॉ करना है। मैंने कहा है कि पिक्चर में चेक करूंगा सर। ये रहा हमारा पाकिस्तान, ये हमारा पड़ोसी इंडिया, दिस इज अफगानिस्तान, दैट इज ईरान, ये रहा आपका इराक और ये मिडिल ईस्ट है। कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज हैं अफगानिस्तान के अंदर, दिस इज गजनी, पाकिस्तान के अंदर ये इस पॉइंट पे बलूचिस्तान में मकरान, ये DAYBL, यहाँ पे बर्मनाबाद या इसे आप मंसूरा भी कहते हैं, यहाँ पे AROR से रोड़ी कहा जाता है आज, यहाँ पे मुल्तान, ये रहा यहाँ पे लाहौर और इस पॉइंट पे है ये इस पॉइंट पे पठान, बात नहीं है इंडिया के रीजन है, इम्पोर्टेंट जो सिटीज हैं जो इस पूरी लेक्चर में हमारा साथ देंगे काम आएंगे, यहाँ पे है अजमेर, बरोच, यहाँ पे है दौलताबाद, ये इंडिया की जो स्टेट है केरला, यहाँ पे एक शहर है माला, मालादार और ये जो रीजन है दिस इज अरबियन सी, और यहाँ पे दिस इज श्रीलंका जिसे पुराने टाइम में सीलोन कहा जाता था। सो आई होप एक एक शहर जो है ये रहेगा, यहाँ पे है थाना, ईरान की तरफ आ जाते हैं,
ये ईरान में यहाँ पे एक शहर है, किरमान। ठीक हो गया जी। सो ये जो मैप है ये आपने अपने जर्नल पे ड्रॉ करके रखना है। इसको डेवलपमेंट्स के साथ हम कहीं पे अगर रेफर करते हैं कोई शहर, क्योंकि मॉडर्न जो शहर हैं आज के उनके नाम चेंज हो चुके हैं, तो आपको पता होगा कि अगर हम अरोर की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे है, मकरान की बात हो रही है तो वह कहाँ पे है, थाना एंड बरोच कहाँ पे है, दौलताबाद कहाँ पर है, अजमेर कहाँ पे है, पक पठान कहाँ पे है, मंसूरा कहाँ पे है। तो जब आप उन्हें लोकेट कर पाएंगे या आंसर में इसे बताते हुए ऊपर मैप ड्रा करके दिखा पाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर लगेंगी और आप एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये मैप आपको किताबों में कहीं पे नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे भी इस तरह से नहीं मिलेगा। सो ये आज से आपका असाइसा है। तो जी जब हम बात करते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी का एवोल्यूशन या उसकी ग्रोथ सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से हुई, तो डिस्कशन को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। एक तो इस रीजन में, सब कॉन्टिनेंट के रीजन में जो डायरेक्ट इन्वेजन्स हुए उनकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी का यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो वो इन्वेजन आप मोहम्मद बिन कासिम का कर लें, महमूद गजनवी का कर लें, या अहमद शाह अब्दाली का कर लें, तो इन इन्वेजन्स की वजह से भी मुस्लिम सोसाइटी का सब कॉन्टिनेंट के अंदर ग्रोथ हुआ। उसके अलावा जो रूलर्स की पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज ने भी बड़ा हेल्प किया मुस्लिम सोसाइटी को ग्रो करने में। और दूसरा जो एरिया है जिसकी वजह से इस खित्ते में इस्लाम का या मुस्लिम सोसाइटी का ग्रोथ हुआ, दैट इज ड्यू टू रिफॉर्मर्स। ये वो लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को इस्लाम से दूर जाते हुए देखा और उन्हें संभाल लिया, उन्हें रिफॉर्म कर लिया, सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट होने से बचा लिया। जब मुसलमान सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस गए थे तो इन रिफॉर्मर्स ने उन्हें रिफॉर्म किया। उलेमाज ने भी अपना रोल निभाया, सूफीज ने भी अपना रोल निभाया। सूफीज्म भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है इस्लाम का और इन सूफीज ने भी लोगों को इन्फ्लुएंस किया, बहुत से लोगों की कन्वर्जन सूफीज की वजह से भी। तो एक डिबेट की साइड आ जाती है या डिस्कशन की साइड आ जाती है, रिफॉर्मर्स की वजह से इस्लाम की ग्रोथ हुई, उलेमास की वजह से, सूफीज की वजह से। अब रिफॉर्मर्स में जैसे आ जाते हैं हमारे पास शाह वलीउल्लाह, मुजद्दद अलफ सानी, सैयद अहमद शहीद, और सूफीज में अ नंबर ऑफ पीपल जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर के बाद। उलेमाज ने भी अपना पूरा रोल निभाया। क्लर्जीज जो जिसे हम कहते हैं, जो फ्राइडे सर्मन्स के जरिए लोगों को इस्लाम की तरफ मायल करना, फतवास दे के इस्लाम की तरफ जो लोग इस्लाम से डिविएट हो गए थे उन्हें वापस लाना, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है इस्लाम की, मुसलमानों की सोसाइटी की ग्रोथ में सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ओवरऑल जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट में, तो इस पे अगर डिस्कशन आपने करनी है, कोई सवाल अटेम्प्ट करना है, तो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ हेडर्स में अपनी पूरी डिस्कशन को डिवाइड कर सकते हैं। और जिस डिस्कशन को हम आज इस लेक्चर के अंदर भी कवर करेंगे, इस्लाम की ग्रोथ या मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ सब कॉन्टिनेंट में, एक तो ट्रेडर्स की वजह से हुई, अरब ट्रेडर्स की वजह से जो सीलोन से लेके हमारी जो कोस्टल लाइंस हैं जो समुद्र से लगते हैं एरिया सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ से लोगों को कनेक्ट करते रहे और उसके अलावा वापस अरब कंट्रीज जाते थे, तो लोगों को एक एक्सपोजर मिलता रहा न्यू रिलीजन का। तो ट्रेडर्स का भी एक बड़ा रोल है अरब ट्रेडर्स का इस्लाम के स्प्रेड करने में सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इन्वेडर्स का हमने देख लिया कि इन्वेडर्स का भी रोल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम का इसमें रोल है, गजनवी का रोल है, अहमद शाह अब्दाली का रोल है, सूफीज और उलेमाज का रोल है, रिफॉर्मर्स का रोल है,
एक आपकी हेडिंग ये होगी, एक आपकी हेडिंग आपका इन्वेडर्स का रोल हो गया, देन ट्रेडर्स का रोल हो गया, क्लर्जी का रोल है जो मस्जिद में मौलानाज होते हैं, जो फ्राइडे सर्मन्स देते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनका भी एक इनडायरेक्ट इनफॉर्मल रोल रहा है इस्लाम की ग्रोथ में। उसके बाद जी जो रूलर्स रहे हैं उनकी जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज ने भी बड़ा हेल्प किया मुस्लिम सोसाइटी को ग्रो करवाने में। अब वो पॉलिसीज आप दिल्ली सल्तनत से लेकर फॉलो करते रहें, आप मोहम्मद बिन कासिम की पॉलिसीज, शरिया ऑफ इस्लाम का जो उन्होंने फ्लेवर यहाँ के लोगों को दिखाया, उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर है, उस दौरान जो पॉलिसीज रही हैं रूलर्स की, तो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज वो क्या थी उनको भी हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। उन पॉलिसीज की वजह से भी इस्लाम का और मुस्लिम सोसाइटी का यहाँ पे ग्रोथ हुआ इस रीजन के अंदर। अदर देन दिस कुछ और भी फैक्टर्स थे जिन्होंने मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ में हेल्प किया, जैसे इकोनॉमिक हमारी जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक जो कल्चर है मुस्लिम रिलीजन में, हमारा जो कल्चर है, हमारा आर्किटेक्चर है, और उसके अलावा हिंदुइज्म में जो अपने फ्लॉज थे, इनकी वजह से भी हमारी इस रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम की या मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ हुई। जब हम ये डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे आखिर में, ये देखेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स थे या रीजंस थे जिनकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी जो ग्रो करते आ रही थी उसका डाउनफॉल शुरू हो गया या वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई 17th और 18th सेंचुरी में मुगल रूलर औरंगजेब के बाद। ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया इस रीजन को और मुसलमानों ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया, ये पूरी हमारी डिस्कशन होगी। और इसके बाद जो है इस पोर्शन पे अगर कोई भी सवाल आपको एग्जाम में मिलता है तो आप उसे कम से कम 20 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे। अब अगर इस पूरी डिस्कशन का इंट्रोडक्शन किया जाए तो हम तरह से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अरब जो थे एज अ ट्रेडर्स, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में इंटर कर लिया था विद इन देयर कन्वर्जन टू इस्लाम, विद इन 2 years ऑफ देयर कन्वर्जन टू इस्लाम, जब अरब, ज्यादातर अरब जो ट्रेडर्स थे वो इस्लाम के दायरे में आ गए, तो तकरीबन अगले 2 सालों के अंदर मुख्तलिफ हिस्टोरियंस ने अरब ट्रेडर्स को सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेड करते हुए ऑब्जर्व, और जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है जब इस्लाम के स्प्रेड करने की बात आती है सब कॉन्टिनेंट। एक हिस्टोरियन है हिटी, ये रिमार्क्स देते हैं इनके मुताबिक इस्लाम जो सब कॉन्टिनेंट में आया ये रिलीजन 3 stages से गुजरा है। पहली स्टेज ओरिजिनली इस्लाम एज ए रिलीजन आया यहाँ के लोगों के लिए, उसके बाद इस्लाम एक रियासत में तब्दील हो गया सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए, और आखिर में इस्लाम यहाँ के लोगों के लिए एक कल्चर में तब्दील हो गया। तो हिटी जो है, हिस्टोरियन जो है हिटी, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम के ग्रोथ को इन 3 stages में डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह ही हुआ है, इस्लाम पहले एक न्यू रिलीजन आया लोगों के लिए, फिर इस्लामिक स्टेट्स यहाँ पे कायम हुई, उसके बाद इस्लामिक वे ऑफ लाइफ यहाँ के लोगों का कल्चर बन गया, और जो अरब मुस्लिम्स थे उन्होंने तो, जैसे यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की बात हो रही है, 7th सेंचुरी है, उसमें जो है सिंध को कंकर किया। अब ये वो दौर था जिसमें जो अरब ट्रेडर्स थे वो कहते हैं सी फेयरिंग, समुंदर में जो आप शिप के जरिए ट्रैवल करते हैं उसे सी फेयरिंग कहा जाता है, या मैरीटाइम एक्टिविटी इसे कहा जाता है। इसमें जब अरब के लोगों ने महारत हासिल कर दी तो उनके जो इंटरेस्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट के कोस्ट के अंदर, कोस्ट कहते हैं सब कॉन्टिनेंट का वो इलाका जैसे केरला हो गया, मालादार हो गया, वो इलाका जो समुंदर को लगता है, तो अरब जब
सफर करना शुरू किया उन्होंने शिप्स के ऊपर, उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, तो उनका यहाँ पे इस रीजन के साथ, कोस्टल लाइन के साथ, इन इलाकों के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट स्टेबल हो गया। और जब अरब कंट्रीज के अंदर मुसलमानों की एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट आ गई, जैसे हम उम्मयाद कहते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड मुस्लिम गवर्नमेंट थी, आप कैलिफेट कह लें ऐसे, जो खिलाफाए राशिदीन थे, चार इनिशियल खलीफा थे, उसके बाद जो मुसलमानों की एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, तो वो उम्मयाद थी। इसके कायम होने के बाद तो अरब के जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उसकी एक्टिविटीज़, ट्रेड एक्टिविटीज़ के बाद हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कंकर किया और सिंध को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बना दिया। इन्होंने पहली बार सिंध के अंदर शरिया पॉलिसीज़ लोगों के सामने रखी, और इन लॉज से, इन कानून से, इस्लाम की नई टीचिंग से लोग बहुत मुतासिर हुए। और मेजॉरिटी जो कन्वर्ट्स हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम के सिंध फतह करने के बाद इस्लाम के दायरे में आए, वो लोग थे जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, हिंदुओं की जो लोअर कास्ट है वहाँ से बिलोंग करने वाले लोग, जो उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, वो इस्लाम के दायरे में आए। उन्होंने देखा कि ये ऐसा रिलीजन है जो सोशल इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, और हमारा रिलीजन जो हिंदुइज्म है वो हमें बहुत टाइम से एक्सप्लॉइट करते आ रहा है। और इसी के साथ साथ अरब मिशनरीज जो थे, जो रूलर्स के साथ मुख्तलिफ मिशनरीज आ रहे थे, मिशनरीज कहते हैं जो रिलीजन प्रीच करें, जैसे तबलीग करने वाले लोग, मुख्तलिफ इन्वेडर्स के साथ, मुख्तलिफ रूलर्स के साथ, जो पर्शिया से या अरब लैंड से या अफगानिस्तान से इस रीजन में आते रहे, उनके साथ मुख्तलिफ मिशनरीज भी होते थे और अरब लोगों के साथ भी मिशनरीज होते थे। तो इन मिशनरीज ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे लोअर कास्ट जो हिंदूज थे उनकी कन्वर्जन हुई इस्लाम के अंदर। अब यहाँ पे एक हिस्टोरियन है, दैट इज TW ये कहते हैं कि अगर तो पोर्टुगीज, जो एक यूरोपियन कौम थी, अगर वो सब कॉन्टिनेंट के कोस्ट पे, इस रीजन पे नहीं पहुंचते, तो ये पूरा कोस्टल एरिया जो है सब कॉन्टिनेंट का, ये मोहम्मदन बन जाता, यानी ये सारे मुसलमान हो जाते अगर यहाँ पोर्टुगीज कंपटीशन में नहीं आते, वो इस एरिया में आके नहीं बसते, वो यहाँ पे ट्रेड करना शुरू नहीं करते, अगर वो नहीं करते तो यहाँ पे इस रीजन में, इस कोस्टल लाइन में अरब्स ने अपना एक पूरा इम्प्रेशन इतना बढ़ा दिया था कि लोगों की लार्ज स्केल पे कन्वर्जन भी हो रही थी, और ये सारा रीजन TW अर्नल्ड के मुताबिक मोहम्मदन या मुस्लिम होने वाला था। तो ये सिग्निफिकेंस जाहिर हो रही है कि अरब ट्रेडर्स की कितनी ज़्यादा थी इस रीजन में। उसके अलावा जी, तगलुक के एक बादशाह फेरोज शाह तगलुक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि जब भी वो अपनी रियासत के अंदर किसी भी अपने इनफीडल या काफर सब्जेक्ट को देखते थे कि वो इस्लाम कबूल करना चाह रहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन में इंटर होना चाह रहा है, तो उन न्यू कन्वर्ट्स को सरकार की तरफ से प्रेजेंट्स दिए जाते थे, उनकी इज्जत की जाती थी। तो ये भी एक जो प्रैक्टिस थी, इसने भी हेल्प किया लोगों को इस्लाम के दायरे में आने में। आपके वक्त का जो बादशाह है वो आपको इज्जत दे रहा है, ये फेरोज खान तगलुक की ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने खुद मेंशन किया।
ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, जनरल जो पूरी बातें। अब आते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के पहले का क्या सूरत हाल थी। लेकिन उससे पहले हमने ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो इस्लाम का स्प्रेड है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट, वो पूरे अरबिया में हो गया था, कुछ सीरिया के हिस्सों तक भी इस्लाम पहुंच गया था, पर्शिया तक इस्लाम पहुंच गया था। ये वो वक्त था जब हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे और वो लीड कर रहे थे। तो उस वक्त पूरा अरबिया इस्लाम के दायरे में आ गया था, सीरिया के कुछ हिस्सों तक इस्लाम पहुंच गया था। और जो हमारे प्रॉफिट के सक्सेसर्स हैं उनके टाइम में जो अरबिया है वो सेंटर बन गया था इस्लाम का, और वहीं से इस्लाम ने इवॉल्व करना शुरू किया। तो अरबिया से ये, जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम जो बताई है, तो यहाँ से इस्लाम ने अपना सेंटर बना लिया और ईस्ट की तरफ, इस ईस्ट वाले एरिया की तरफ स्प्रेड करना शुरू किया। और ईस्ट में आ जाता है हमारा, अरबिया से ईस्ट में आ जाता है हमारा बरे सगीर सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट में भी इस्लाम रिवर इंडस से भी आगे के रीजन में फैल गया। चार ऐसे ग्रुप्स थे जिनकी वजह से इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में आया। एक ये, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रफ मैप बनाते हैं, ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है। तो पहला जो ग्रुप था जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम फैला, वो थे इस तरफ से आने वाले, सेंट्रल एशिया से आने वाले तुर्कमानिस्तान को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, टर्की को रेफर नहीं किया जा रहा। तो एक तो ये ग्रुप था, दूसरा यहाँ अफगानिस्तान से आने वाले पठान, उनकी वजह से इस्लाम फैला। और उसके अलावा मुगल्स, जिसे हम कहते हैं कि ये जो मुगल्स हैं ये पार्ट तुर्क हैं, कुछ हिस्सा इनका तुर्क है और कुछ हिस्सा ये मंगोल हैं, ये इनके दोनों एंसेस्टर्स हैं, जो मुगल्स हैं उनके एंसेस्टर्स कुछ हिस्सा तुर्क हैं और कुछ हिस्सा मंगोल्स हैं। तो ये भी सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए। उसके अलावा जो फोर्थ फैक्टर था जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम फैला, मुस्लिम सोसाइटी ज़्यादा कंसोलिडेट हुई, वो थे मुस्लिम मिशनरीज, जो मैंने पहले ही आपको बताया इस्लाम के जो प्रीचर्स थे। वो हर एक कॉन्करर के साथ, चाहे वो तुर्क हो, अफगान हो उनके साथ या पर्शियन हो, उनके साथ इस रीजन में आते रहे मिशनरीज, और उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया इस्लाम के फैलाव में। अच्छा जी, मीटिंग ये ऑफ हो रही है, दोबारा से सारे ज्वाइन कर लें। सो ये तो जर्नल ग्रुप्स थे जिनकी वजह से इस रीजन में, सब कॉन्टिनेंट के रीजन में मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ थी। लेकिन अगर प्री मोहम्मद बिन कासिम के इरा की बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम से पहले वाले इरा की, तो जो पहली हमें डेवलपमेंट नज़र आती है 2.1 से करते हैं, दैट इज़ हज़रत उमर जो सेकंड खलीफा थे उनके दौर में जो गवर्नर ऑफ ओमान था उस्मान इब्ने अल्लास, उसने अपनी आर्मी भेजी थी थाना एंड बरोच की तरफ। अब ये थाना एंड बरोच कहाँ है, ये मैप मैंने आपको बनवाया है, वहां पे आप लोकेट कर सकते हैं। ये सी पोर्ट्स हैं दो इंपॉर्टेंट सब कॉन्टिनेंट में। तो हजरत उमर जो सेकंड खलीफा थे प्री मोहम्मद बिन कासिम के दौर में, हमने देखना है कि इस रीजन में इस्लाम को फैलाने के लिए क्या कोशिश की। तो नंबर वन जो डेवलपमेंट हमें नजर आती है वो ये है कि हजरत उमर जो सेकंड खलीफा थे उनके दौर में जो गवर्नर था ओमान का,
उस्मान इब्ने अल आस। उसने अपनी आर्मी भेजी, थाना और बरोज ये दो सी पोर्ट्स थे। कैलिफ की परमिशन इन्होंने नहीं ली थी, इन्होंने उस्मान ने कैलिफ की परमिशन नहीं ली थी, अपने खुद इंटेंशन से इन्होंने आर्मी भेजी थी। उसके बाद जो सेकंड कोशिश की गई दैट वाज बाय सनान बिन सलामा, उन्होंने तो मकरान को कैप्चर कर लिया। अब मकरान का रीजन भी आप मैप पे लोकेट करें तो आपको आज के बलूचिस्तान में मिलेगा। ये सनान बिन सलामा हजरत अली जब खलीफा थे उसके दौर में थे। बाद में वक्त के खलीफा ने एक्सपीडिशन को मना कर दिया कि आप न्यू लैंड में जाके एक्सपीडेट नहीं कर सकते, कॉन्कर नहीं कर सकते। तो इस ऑर्डर के तहत 664 एडी तक कोई न्यू एक्सपीडिशन इस लैंड में नहीं हुई, कोई न्यू जो है उन्होंने मिशन नहीं भेजा कोई भी सिटी कोई भी सी पोर्ट कंकर करने के लिए। एक तो डेवलपमेंट ये थी प्री मोहम्मद बिन कासिम के दौर की। दूसरा, जो मुस्लिम अरब ट्रेडर्स थे, यहाँ पे ट्रेडर्स की बात आ रही है, उन्होंने मुस्लिम्स जो हिंदूज थे इस रीजन के उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया। ये मुल्तान तक पहुंच गए थे और इनका जो ट्रेड है अरब ट्रेडर्स का, जो हमारे इस रीजन में साउथ के रीजन में ये जो रीजन था केरला वाला रीजन, मालादार वाला रीजन, इस रीजन में जो पोर्ट सिटीज थे वहां पे इनका ट्रेड ज्यादा फ्लोरिश करता था। साउथ पोर्ट्स और अरब जो पोर्ट्स हैं और उसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, ये आपस में लिंक्ड थे और मुस्लिम ट्रेडर्स ने अपनी कॉलोनीज स्टेबल की हुई थी, और जिसमें से हमारा जो सीलोन वाला रीजन है श्रीलंका, वहां पे भी उनकी कॉलोनीज होती थी। तो ये अगर मैप पे मैं आपको दिखाऊं पीछे जाके, तो ये जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे ये यहां से अरबिया से आते थे, इस रीजन में इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, फिर यहाँ पे इस रीजन में ईस्ट एशिया ऐसे कहते हैं, यहाँ पे ये सीलोन लिखा हुआ है श्रीलंका, यहाँ पे भी इनकी कॉलोनीज थी। तो इन्होंने एक ट्रेड लिंक बनाया हुआ था, इस ट्रेड लिंक की वजह से एक तो इनका जो ट्रेड है वो फ्लोरिश कर रहा था और उसी के साथ साथ जो इस्लामिक कल्चर है वो यहाँ के लोकल लोगों तक पहुंच रहा था। ये डेवलपमेंट बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम वाली है, मोहम्मद बिन कासिम के यहां इस रीजन में आने से पहले की डेवलपमेंट है ये। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के पीरियड की। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में सिंध को फतह किया। अब हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो अरब ट्रेडर्स थे उनके कुछ फैमिली मेंबर्स को, उनके कुछ ट्रेडर्स को सिंध के कुछ पायरेट्स ने प्रिजनर बना लिया था। अब इस पे जो सिंध का उस वक्त का बादशाह था राजा दाहिर, उसने कोई पॉजिटिव रिस्पांस मुस्लिम रूलर्स को नहीं दिया कि भाई हमारे अरब प्रिजनर्स को यहाँ पे इलीगली रखा हुआ है आपके पायरेट्स ने, तो वहां के राजा होने के बुनियाद पे आपने हमारी हेल्प करनी है। लेकिन राजा दाहिर की तरफ से कोई खास हेल्प नहीं आई और उस वक्त जो हमारी उम्मयाद कैलिफेट थी उसका गवर्नर था दैट वाज हज्जाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ वेस्ट में एक शहर है, एक जगह है सऊदी अरेबिया में हिजाज के नाम से,
ये वहां का गवर्नर था और इसी के लोगों को सिंध के पायरेट्स ने प्रिजनर बना के रखा हुआ था। तो इसने दो बार कोशिश की सिंध में अपने लोगों को छुड़ाने की। पहली बारी में इसने 1000 सोल्जर्स और 300 कैमल्स का एक ग्रुप भेजा अपनी एक किसी लीडर के अंडर कंट्रोल, लेकिन ये फेल हो गए। दूसरी बार भी हिजाज बिन यूसुफ ने ट्राई किया, लेकिन दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। जो थर्ड अटेम्प्ट था हिजाज बिन यूसुफ का, थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा और मोहम्मद बिन कासिम के साथ इन्होंने कहते हैं कि 600 सीरियन एंड इराकी सोल्जर्स थे ट्रेन और 3000 कैमल्स भेजे। अब ये फिगर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कहीं पे एमसीक्यूज में आ जाती हैं तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम का जो ये तीसरा जो हिजाज बिन यूसुफ की तरफ से अटेम्प्ट किया जा रहा था, तीसरे अटेम्प्ट में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया और मोहम्मद बिन कासिम ने आखिरकार एट द बैटल ऑफ अरोर, अरोर अब आप मैप पे लोकेट कर सकते हैं कहां पे है, इस बैटल में राजा दाहिर को इन्होंने डिफीट किया और मोहम्मद बिन कासिम ने पहला एक ऐसा रूलर था जिसने शरिया ला सब कॉन्टिनेंट के अंदर इम्प्लीमेंट किया। जो लोकल थे, जो लोअर क्लास वाले लोग थे, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए मुस्लिम रूल से। न्यू लीडर्स थे जो सोशल इक्वालिटी की बात करते थे, तो इस्लाम के दायरे में आना लोगों ने शुरू कर दिया मोहम्मद बिन कासिम के सिंध फतह करने के बाद। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध फतह किया, उसके दौर के बाद एक आप एक और हेडिंग में भी डेटा को रख सकते हैं, दैट इज पीरियड जो मोहम्मद बिन कासिम के बाद वाला पीरियड है, पोस्ट पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम या आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध, आप इस तरह से करके एक हेडिंग में ये वाली बातें आप देख सकते हैं। तकरीबन 1712 से लेकर 870 तक सिंध के अंदर मुस्लिम गवर्नर्स का रूल रहा, लेकिन 871 AD में जो मंसूरा, मैंने आपको ये लोकेट करवाया है मैप पे, मंसूरा का जो प्रिंस था, अरब प्रिंस, और जो मुल्तान का रूलर था, इन्होंने गवर्नर सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया 871 AD में। उसके बाद भी तकरीबन 992 AD तक सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इस रीजन के अंदर जो भी रियासतें थी वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रही, लेकिन 1992 के एंड तक पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया, क्योंकि जो मुल्तान का उस वक्त का बादशाह था, दैट वाज राजा जयपाल, इन्होंने अफगानिस्तान में जो गजनी मैंने शहर आपको लोकेट करवाया था, वहां पे इन्होंने दो बार अटैक किया और हर बार दो से तीन बार इन्होंने अटैक किया और हर बार ये नाकाम हुए। इनकी कोशिश थी कि वहां पे जो रहने वाले मुसलमान है और वहां पे जो मुस्लिम रूल है उसको किसी तरह से डिफीट किया जाए, लेकिन इनके इस एक्शन ने, ये जो पीसफुल की कोएग्जिस्टेंस वाला एक फिनोमेना था, सब पीस से रह रहे थे, उसको इसने एंड कर दिया इसके इस एक्शन ने, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहने वाले सारे लोगों ने बाद में फील किया। अब देखें जो फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज
महमूद गजनवी का पीरियड। मैंने कहा गजनवी जो अफगानिस्तान में शहर है वहां पे राजा जयपाल ने जो मुल्तान से थे उन्होंने 3 बार अटैक किया, फेल हो गए उस अटैक में। आखिर इस अटैक्स की वजह से जो गजनवी के रूलर थे महमूद गजनवी, उन्होंने तकरीबन 17 बार 1000 AD से लेकर 1027 तक सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने अटैक किया। अब इनके अटैक से सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इन्होंने अटैक किया, एक तो जो हिंदू राजास थे उन्होंने आपस में जो इतिहाद किया हुआ था इनका इतिहाद टूट गया। हिंदू डायनेस्टी जो है एक तरह से जो राजपूत ने मिला के बनाई थी वो इन्होंने तबाह कर दी। और जो महमूद गजनवी थे इनका जो कोर्ट होता था, जैसे आज के टाइम में कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की, इसमें इन्होंने एक कल्चर बिल्ड किया हुआ था कि स्कॉलर्स होते थे इनके साथ। अब स्कॉलर जैसे फिरदौसी साहब जो एक बहुत ही मशहूर मुस्लिम ईरानी पोएट है, अल बेरूनी, ये भी इनके कोर्ट में होते थे, इनके कैबिनेट में आप कह रहे हैं। उसके अलावा अल बेहकी, ये एक मुस्लिम हिस्टोरियन है, हदीस के एक्सपर्ट थे। अल बेरूनी जो है ये वो इंसान है जिन्होंने इस रीजन में आके ये बताया कि यहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, मुसलमान हिंदू जो अलग कौमें हैं साथ रह नहीं सकते। सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट थे अल बेरूनी। फिरदौसी जो है पर्शियन पोएट थे। तो इन लोगों का एक रूलर की कैबिनेट में होना ये भी इस्लाम की ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। एक तो इन्होंने हिंदू राज को इस रीजन में ख़त्म कर दिया और दूसरा जो है इन्होंने अपने साथ जो मुस्लिम स्कॉलर्स रखे हुए थे कोर्ट में, ये इनकी पॉलिसीज़ पे इन्फ्लुएंस करते थे और उसकी वजह से इस रीजन में इस्लाम का या मुस्लिम सोसाइटी का ग्रोथ होने लगा। नंबर 6 पे है जी जो पीरियड है वो है गोरियों का पीरियड, गोरीज का पीरियड। ये पीरियड 1192 से था 1206 तक। आपके पास बहुत बार सवाल आता है कि 1206 से लेकर 17th सेंचुरी तक मुसलमान सोसाइटी का, जो मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ हुई है उस पे जो है आप डिस्क्रिप्शन लिखें। तो आपको पिछली वाली बातें भी पता हैं तो वो प्लस पॉइंट है अगर जर्नल सवाल आ जाता है, लेकिन यहाँ से जो है तकरीबन बहुत बार सवाल आता है कि इस पॉइंट से लेकर आपने आगे एक्सप्लेन करना है। गोरी, शहाबुद्दीन गोरी पूरा नाम था इनका, ये पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने दिल्ली को कंकर किया। तो एक तरह से दिल्ली सल्तनत का भी बाद में आगाज हो जाता है जो हम दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ते हैं। तो ये शहाबुद्दीन गोरी जो थे इन्होंने, he was the first Muslim ruler to conquer Delhi, और उन्होंने एक मुस्लिम सोसाइटी का इंडिया के अंदर कायम किया। इन्होंने राजा चौहान को सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन, ये कहीं पे MCQ आ सकता है तो आप इसको भी यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। तो गोरी का जो पीरियड था इसमें पहली बार एक मुस्लिम बादशाह ने दिल्ली को कंकर किया और एक मुस्लिम रूल को इंडिया के अंदर स्टेबल किया। तो देखें किस तरह से मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ हो रही है। शहाबुद्दीन गोरी ने स्टेबल की ये, जिसे हम गोरी डायनेस्टी कहते हैं, ये खुद एक स्लेव थे, ये खुद एक स्लेव नहीं थे, इनके एक स्लेव थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक शाहबुद्दीन गोरी का एक स्लेव था जिसको इन्होंने लाहौर का गवर्नर कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद एक स्लेव थे, ये मुस्लिम रूल को इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट तक ले गए, जिसे हम आज की डेट में बंगाल कहते हैं। तो बंगाल तक इस्लाम का स्प्रेड हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से। ये पहले वो पर्सन थे जिन्होंने प्योर इस्लामिक स्टेट का, जो शरिया पे चल रही थी रियासत, उसका कायम किया। मोहम्मद बिन कासिम ने रियासत नहीं बनाई थी, वो रीजन को उन्होंने शरिया का एक इम्प्लीमेंटेशन करके टेस्ट दिया, लेकिन उन्होंने प्योर इस्लामिक स्टेट बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने। अब यहां से दिल्ली सल्तनत का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत हम इसलिए कहते हैं कि इस मुस्लिम रूल का जो सेंटर था, दैट वाज दिल्ली। और सल्तनत इसलिए क्योंकि ये एक सुजरेनिटी थी, सोवरेनिटी नहीं थी। यहाँ पे जो रूलर्स थे वो खुद को सब ऑर्डिनेट समझते थे, जो हमारी लार्जर कैलिफेट थी मुसलमानों की मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये खुद को उनका सब ऑर्डिनेट समझते थे, सब सर्वेंट समझते थे, वाइस रेजिडेंट समझते थे। तो इसलिए ये सुल्तान कहलाते थे इस एरिया में रूल करने वाले लोग। तो दिल्ली सल्तनत का, जब दिल्ली मुसलमानों ने कंकर कर लिया 1206 से लेकर 1526 तक, दिल्ली सल्तनत का ये पीरियड कहलाता है। इसमें नंबर वन पे आ जाता है हमारे पास स्लेव डायनेस्टी। अब इसे स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मैंने आपको बताया कि खुद एक स्लेव थे शाहबुद्दीन गोरी के, जो गवर्नर किए गए थे लाहौर के, इन्होंने ये डायनेस्टी स्टार्ट, स्लेव डायनेस्टी। ये फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ दिल्ली थे, उन्होंने मुस्लिम रूल को दिल्ली के अंदर कंसोलिडेट किया। और इनका सबसे बड़ा जो एक इनपुट माना जाता है मुस्लिम सोसाइटी का इस रीजन में ग्रोथ करने के लिए, इन्होंने एक तो दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत कायम कर दी, दूसरा इन्होंने मस्जिदें बहुत ज़्यादा बनवाई। जैसे आप अहमदाबाद में देखें, दिल्ली में देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से मस्जिदें हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव इनपुट था जिसकी वजह से स्लेव डायनेस्टी के दौरान मुस्लिम सोसाइटी का ग्रोथ हो रहा था इंडिया में। दिल्ली सल्तनत में नंबर टू पे हमारे पास आ जाता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक थी ये डायनेस्टी। अब ये डायनेस्टी फाउंड की थी जलालुद्दीन फेरोज खिलजी ने, और इसका जो प्रोमिनेंट लीडर था, दैट वाज, जिस पे इंडिया वालों ने एक अजीब सी मूवी बनाई हुई है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम रूल के लिए क्यों प्रोमिनेंट है, क्योंकि इन्होंने बहुत बार, इनका रूल वैसे था 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी एक खिलजी रूलर थे, खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे। इनका रोल इम्पॉर्टेंट इसलिए है मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बार मुसलमानों को मंगोल्स से बचाया। मंगोल अटैक करते रहते थे इस रीजन में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उनके सामने दीवार बन के खड़े हो गए। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है खिलजी डायनेस्टी के दौरान, जिसकी वजह से मुसलमान सोसाइटी जो है इस रीजन में स्टेबल रही
और उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रही। अब एक नेक्स्ट जो डायनेस्टी है तगलुक की तरफ जाने से पहले, एक यहाँ पे 1320 से लेकर कुछ महीनों तक, या एक तकरीबन आप इसे 1321 तक अगर काउंट करें, ये एक ईयर जो है ट्रांजिशन में इस दिल्ली सल्तनत में हिंदू रूल आ गया था। एक इंडिविजुअल जिसे खुसरा शाह के नाम से हम जानते हैं, ये एक फेक मुसलमान थे। अलाउद्दीन का एक बेटा था, दैट वाज मुबारक शाह। मुबारक शाह का ये एक दोस्त माना जाता है जिसे हम खुसरो शाह कहते हैं। अब दोस्ती जो है किस नेचर की थी वो तो एक अलग डिबेट है, जिसकी वजह से इनके ऊपर खुसरो शाह नाम भी पड़ा। बहरहाल ये एक फेक मुस्लिम था, ये असल में एक हिंदू था। मुबारक शाह जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, इसने तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन का काम खुसरो शाह के हाथ में दे दिया था, और खुसरो शाह का ये जो एक साल का रूल था, इसने जो मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ हो रही थी इस रीजन में, बहुत बड़ी रुकावट इसने डाल दी। इसने बहुत से मुसलमानों को मारा अपने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जब भी इसके हाथ में था। और जो खुसरो शाह है उसकी इस प्रैक्टिसेस की वजह से, मुसलमानों के ऊपर टॉर्चर करने की वजह से, जो मुस्लिम सोसाइटी का ग्रोथ था वो एक तरह से हाल्ट हो गया, रुक गया। तो इसके रिस्पॉन्स में खुसरो शाह को डिफीट करने के लिए गयाथ उद्दीन तुगलक, या आप इसको स्पेलिंग करेक्ट करके लिखें, यहाँ पे राइटिंग खराब हो रही है। तो ये गयाथ उद्दीन तुगलक जो है ये गवर्नर थे पंजाब के। इन्होंने जब देखा कि एक फेक मुस्लिम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है वो हिंदुओं के फेवर में हो रहे हैं, इससे इस्लाम की ग्रोथ रुक गई है इस रीजन के अंदर, तो गयाथुद्दीन तगलुक ने, जो गवर्नर पंजाब थे, इन्होंने जिहाद एक तरह से स्टार्ट किया खुसरो के खिलाफ, और इन्होंने एडवांस किया, आर्मी लेके पंजाब से ये आए और इन्होंने खुसरो शाह को डिफीट किया। और गयाथुल तगलुक की वजह से एक बार फिर जो है मुस्लिम सोसाइटी की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल पे आ गई, क्योंकि एक जो फेक हिंदू था उसको उन्होंने डिफीट कर दिया गयाथुद्दीन तगलुक ने। उसके बाद तगलुक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। जब खुसरो शाह डिफीट हो गए तो तगलुक डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो गई। 1320 से लेकर 1440 तक की डायनेस्टी रही। अब इस दौर में तगलुक डायनेस्टी में हम कहते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो अपनी जीनिथ पे थी, उरूज पे थी, क्योंकि मुस्लिम रूल इंडिया के साउथर्न पार्ट में भी पहुंच गया था तगलुक के दौरान। तो सब कॉन्टिनेंट में जो हमारा अभी तक रूल नॉर्थ में था, बंगाल तक भी पहुंच गया, वो तगलुक डायनेस्टी के दौर में साउथ इंडिया तक पहुंच गया। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट माना जाता है ये। और इसी दौरान 1397 में तैमूर ने, जो एक उज़्बेक किंग थे, उज़्बेकिस्तान, मैंने कहा सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज है वहां पे उज़्बेकिस्तान एक कंट्री है जो आज के दौर में, वहां पे समरकंद का रीजन है, वहां का बादशाह था तैमूर। इसने जब देखा कि तगलुक डायनेस्टी में अनार्ची फैली हुई है, लॉलेसनेस है, कोई कंट्रोल नहीं है इस वक्त, जब फेरोज तगलुक का ये दौर था, उस वक्त तैमूर ने तकरीबन
92,000 अपनी सोल्जर्स की आर्मी के साथ इन्वेजन किया सब कॉन्टिनेंट के रीजन में, लूट मार मचाई। और इसके इस इन्वेजन के बाद इन्होंने एक तो वहाँ के जो मौजूदा मुस्लिम रूलर्स थे वहाँ को तो उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन इन्होंने एक बंदे को गवर्नर मुल्तान स्टेबल कर दिया, वहां पे इंस्टॉल कर दिया। दैट वाज खिजर खान। खिजर खान ये वही इंसान है जिसने आगे जाके एक नई डायनेस्टी, मुस्लिम डायनेस्टी इस्टेब्लिश की सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और फिर से मुसलमानों का जो ग्रोथ है मुस्लिम सोसाइटी का वो वापस अपने पेस पे आ गया। खिजर खान ने सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश की 1440 से लेकर 1451 तक ये डायनेस्टी थी। अब इस सैयद डायनेस्टी में एक हिस्टोरियन है, उसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, एनी मैरी। एनी मैरी स्कीमेल, इसको आप कहीं पे नोट करें, जब भी सैयद डायनेस्टी की बात आए तो इनके रिमार्क्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हिस्टोरियन है, ये कहते हैं कि सैयद डायनेस्टी के दौरान जो इस्लाम की हिस्ट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो एक बहुत ही बड़े उरूज पे जा पहुंची थी। क्यों? क्योंकि सैयद डायनेस्टी के दौरान एक तो हमारी जो मुस्लिम रूल है वो ज्यादा पावरफुल हो गया था, और दूसरा ये इस्लाम की ग्रोथ उरूज पे हो गई थी। रीजन, सैयद डायनेस्टी के लीडर्स ने इस्लामिक सेंटर्स या इस्लामिक कल्चर के जो सेंटर्स थे, आप सेंटर्स ऑफ इस्लामिक कल्चर भी कह सकते हैं, जो पहले सिर्फ दिल्ली तक मौजूद होते थे, महदूद होते थे, लेकिन सैयद डायनेस्टी में इन इस्लामिक कल्चर के सेंटर्स को बियॉन्ड दिल्ली भी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये एक तरह से मुस्लिम सोसाइटी के ग्रोथ में इस चीज ने बहुत हेल्प किया। इसके बाद जी आखिर में हमारे पास आ जाती है दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी में ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ जिसे हम मुस्लिम सोसाइटी के ग्रोथ में काउंट कर सकें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी ने एस्टेब्लिश की थी, जो एक अफगान थे, और लोधी डायनेस्टी के साथ ही बाबर की जंग हुई थी जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी 1526 में। तो इसके बाद ये बाबर ने यहाँ पे मुगल रूल एस्टेब्लिश कर दिया। ये मुगल्स थे, ये एक पार्ट इनका जो है आप कह सकते हैं, ये तैमूर भी इनके डिसेंडेंट थे, चंगेज खान भी इनके वो थे पेरेंट्स में थे, एंसिस्टर्स थे, आप एंसिस्टर्स का लव से इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक दिल्ली सल्तनत, आपको पता होना चाहिए कि हर रूल के अंदर मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ किस तरह से हो रही थी। स्लेव डायनेस्टी के अंदर मस्जिदों पे काम हो रहा था, दिल्ली में हमारी सल्तनत कायम कर दी, मुस्लिम सल्तनत कायम हो गई। खिलजी डायनेस्टी में हमने देखा कि मंगोल्स को डिफीट किया गया, फेक मुस्लिम को उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बाद तगलुक के किंग ने, एक गवर्नर ने, उसने डिफीट किया, हिंदू रूल से मुसलमानों को बचाया। दिन तगलुक डायनेस्टी में हमने देखा कि मुसलमान जो है जींद तक पहुंच गए थे, साउथ में भी मुस्लिम रूल फैल गया था। फिर तैमूर की हमने बात की, उसने जो है एक टाइम देखा कि जब फेरोज तगलुक के टाइम में यहाँ के लोग अनार्ची का शिकार हैं, लॉलेसनेस से वीक हो गए हैं तगलुक, तो उसने तो हमला किया, लेकिन उस हमले की वजह से एक नया दौर शुरू हो गया मुसलमानों का।
खिजर खान जो मुल्तान के गवर्नर लगे, उन्होंने सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी। और सैयद डायनेस्टी वो है जिसके लिए हिस्टोरियंस कहते हैं इसके दौरान मुसलमान एक नए पावर पे आ पहुंचे थे। इस्लामिक जो सेंटर ऑफ कल्चर्स थे या सेंटर्स ऑफ इस्लामिक कल्चर जिसे कहें, वो बियॉन्ड दिल्ली जो है मुसलमान के रूलर्स ने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और आखिर में हमने देखा कि बाबर ने लोधी डायनेस्टी को डिफीट किया, इब्राहिम लोधी को उन्होंने डिफीट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1956 में। और ऐसे ही हमारा मुगल एम्पायर जो है वो शुरू हो गया। अब इसके दौरान मुस्लिम सोसाइटी का किस तरह से ग्रोथ होता है वो देखना है हमें। जो मुगल्स थे, ये मुगल एम्पायर, इसने कंसोलिडेट कर दिया इस्लाम को साउथ एशिया में। मुगल डायनेस्टी ने इस्लाम को कंसोलिडेट कर दिया साउथ एशिया में। और मुसलमानों की जो आर्ट है, कल्चर है जो मुसलमानों का, हमारा जो आर्किटेक्चर है ज्यादातर उसमें जो पर्शियन टच था, उसको मुसलमान के फेथ के साथ, हमारा इस्लामिक फेथ, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, इसकी जो है मुगल एम्पायर के दौर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। इन फ्रंट्स पे, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम सोसाइटी की इंडिया में ग्रोथ हुई बहुत ज्यादा। मुगल एम्पायर जो मुगल्स हैं बेसिकली वो डिसेंडेंट्स हैं मंगोल्स के, वो मंगोल जो तुर्किस्तान में रहते थे। तुर्किस्तान को आप तुर्कमानिस्तान या तुर्की से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एक रीजन है कजाकिस्तान में। यहाँ पे जो मंगोल रहते थे और 15th सेंचुरी में जब वो मुसलमान हो गए तो वो मुगल बन गए, और उन्होंने मिडिल ईस्ट का जो कल्चर है, जो इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, वो अडॉप्ट कर लिए। जब इंडिया में मुगल्स का रूल हुआ तो मुगल के रूल के साथ इस्लाम का कल्चर, इस्लाम की आर्ट और इस्लामिक आर्ट जिसे कहा जाए, और हमारा जो फेथ है मुस्लिम फेथ, उसकी इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। अब बाबर, हुमायूं, उसके बाद जो अकबर का रूल है, ये थर्ड मुस्लिम मुगल रूलर है, इसके दौरान कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई, कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी हुई। ये बेसिकली 1556 से लेकर 1606 तक इनका रूल था, ये थर्ड मुगल रूलर थे। एक तो इन्होंने जो पॉजिटिव डेवलपमेंट थी अकबर के टाइम में, इन्होंने हेमू बकल को डिफीट किया। अब हेमू बकल कौन था? ये सूरी डायनेस्टी में बीच में, मुगल के दौर के बीच में एक 10-15 साल का ब्रेक आ जाता है, शेरशाह सूरी एक नई डायनेस्टी स्टेबल करता है। तो उस डायनेस्टी में हेमू बकल एक जनरल था। अब ये खुद एक हिंदू था, और ये माना जाता है कि हेमू बकल दोस्त था मुबरिज खान का। मुबरिज खान को अगर आप ट्रेस करें तो शेरशाह सूरी ने सूरी डायनेस्टी स्टेबल की। ये बिहार के चीफ थे, इनके बेटे सलीम शाह, और सलीम शाह का बेटा फेरोज। फेरोज का जो अंकल था, दैट वाज मुबरिज शाह, मुबरिज खान आप इसे कह लें। तो ये जो मुबरिज खान है, इसका दोस्त था हेमू बकल, और मुबरिज खान ने फेरोज को, जो सलीम शाह का बेटा था और सलीम शाह खुद शेर शाह का बेटा था, इसके रूल को ओवरटर्न कर दिया था
और मुबरिस खान ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे वो हेमू बकल को दे दिए थे। तो हेमू बकल एक हिंदू था और इसने एडमिनिस्ट्रेशन को, एक जो मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त की, उसको इसने हिंदू रूल में तब्दील कर दिया। और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि अकबर ने हेमू बकल को एक जंग में डिफीट किया, और ये जो हेमू बकल की हार थी ये इस्लाम की विक्ट्री थी। एक जो डिस्गाइज्ड हिंदू गवर्नर था, एक तरह से एक हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर था मुस्लिम रूल के अंडर, उससे निजात मिली मुसलमानों को। और नॉर्थ इंडिया, इस तरह से जो इंडिया का नॉर्थ वाला एरिया था वो कंकर हो गया। पर अकबर की इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को, इसके दौर में होने वाली इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को, अच्छा ये जी मीटिंग ऑफ होने वाली है, दोबारा से सारे ज्वाइन करें। तो जी हम मुगल पीरियड में देख रहे थे कि अकबर ने, जो थर्ड मुगल रूलर था, उसने एक तो पॉजिटिव डेवलपमेंट थी उसके दौर में, उसने मुसलमानों को एक हिंदू जो है एडमिनिस्ट्रेटर से बचाया। ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी जिसमें अकबर ने हेमू बकल को डिफीट किया, और ये एक तरह से इस्लाम की भी विक्ट्री थी और नॉर्दर्न इंडिया को उसने कॉन्कर किया। पर हाउएवर का यहाँ पे ट्रम आ जाता है, एक नेगेटिव साइड भी है अकबर के रूल की, दैट इज कि अकबर ने एक एक न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजी सामने रखी जिसे उसने नाम दिया दीन इलाही। अब दीन इलाही ये अकबर का एक तरह से कंस्ट्रक्टेड रिलीजन था, एक रिलीजियस आइडियोलॉजी थी जो अमलगमेशन थी इंडिया के तमाम रिलीजन्स। दीन इलाही ट्रू इस्लाम के लिए जो अकबर ने तैयार किया एक थ्रेड था। दीन इलाही के जो फॉलोअर थे उसे एक अलग तरह की अकबरी टोपी पहनाई जाती थी, रेड कलर की, जैसे पता चल जाए कि ये दीन इलाही के फॉलोवर है। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी अकबर ने दी, ये अकबर के टाइम का या इसके एरा का एक बहुत ही बड़ा लो पॉइंट था, जो हमारे इस्लाम की ग्रोथ में, मुसलमानों की ग्रोथ में इस रीजन में, उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट थी, एक थ्रेट था। इसने सारे रिलीजन्स को दीन इलाही में मर्ज कर दिया, और जो मुस्लिम एम्पायर थी उसने जो अपना मुस्लिम टैग है वो गवा दिया। क्योंकि जब वहां का रूलर एक नई रिलीजियस आइडियोलॉजी पे है तो मुस्लिम टैग तो नहीं लग सकता ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये जो है इस्लाम की ग्रोथ में लो पॉइंट थी। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो दीन इलाही का जो कॉन्सेप्ट है, अकबर का जो कोर्ट है, एक तरह से जो कैबिनेट होती है जहाँ पे इसके जो मिनिस्टर्स थे उस टाइम के, जो लोग अकबर के साथ काम करते थे, वो जो ट्रेडिशनल हमारा ट्रू इस्लाम है उसकी प्रैक्टिसेस का मजाक उड़ाया जाता था। रोजे के ऊपर, जकात के ऊपर जोक्स किए जाते थे। ये प्रैक्टिस तब हुई जब इसने दीन इलाही, अमलगमेशन ऑफ रिलीजन्स, एक अपनी आइडियोलॉजी तैयार की, उसके फॉलोवर्स आके एक कोर्ट में बैठते थे, वहां पे वो बैठ के जो ट्रू इस्लाम है उसका मजाक उड़ाते थे। तो आप अंदाजा लगाएं कितनी लो पॉइंट पे चली गई इस्लाम की ग्रोथ। ग्रोथ तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते, नेगेटिव में चली गई एक तरह से। और जो कुछ सूफीज थे, सूफीज का एक ग्रुप था जो एक आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे जिसे हम कहते हैं वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद एक सूफी आइडियोलॉजी है जिसके मुताबिक कि भाई खुदा हमारे अंदर है, या खुदा हमारा ही हिस्सा है, हम सबके अंदर खुदा है। ये आइडियोलॉजी जो लोग बिलीव करते हैं वो इस दीन इलाही के भी सपोर्टर बन गए।
कि भाई जब सब रिलीजन एक हैं, सबके अंदर खुदा है, और इस आइडियोलॉजी के फॉलोअर आपको ज्यादातर इंडिया में आज भी मिलेंगे, आप उनके टीवी सीरियल में, फिल्मों में भी ये बात बहुत बार रिपीट होके सुनते रहेंगे कि भाई वहदतुल वजूद का मतलब गॉड इज विद इन अस। जब गॉड हर इंसान में है तो रिलीजन्स के अलग अलग नामों का क्या काम। जो दीन इलाही है वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इन सूफीज ने अकबर को एडमायर किया और शामिल हो गए दीन इलाही में, लाल टोपियां पहनना शुरू कर दी उन्होंने, और इस्लाम का जो असली स्पिरिट था वो कहीं पे दब के रह गया। ना सिर्फ ये जो सूफी हजरात थे इन्होंने एम्ब्रेस किया, पर जो हिंदुओं की एक मूवमेंट चलती थी, भक्ति मूवमेंट, बहुत टाइम से चल रही थी, 7th-8th सेंचुरी से ये मूवमेंट चल रही थी। इस मूवमेंट का भी यही गोल था, भक्ति मूवमेंट का, कि भाई गॉड इज वन एंड गॉड इज विद इन अस, ह्यूमैनिटी को सर्व करो तो खुदा को सर्व करना है। तो एक जनरल एक कॉन्सेप्ट था, ये इनका जो मेन मोटिव था रामानंदा का, जो जिसने ये मूवमेंट शुरू की थी, जो इन्हें लगता था कि हिंदू कन्वर्ट हो गए हैं मुस्लिम रिलीजन में, तो उनको किसी तरह से किसी आइडियोलॉजी पे वापस हिंदुइज्म पे लाया जाए। तो अकबर के दीन इलाही के वजह से एक तो सूफीज ने, वहदतुल वजूद वाली आइडियोलॉजी वाले सूफीज ने इसको एम्ब्रेस कर लिया, और भक्ति मूवमेंट वालों को और ज्यादा स्पेस मिल गई, ये मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, एडवांस हो गई। और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो दीन इलाही है, वहदतुल वजूद वाला कॉन्सेप्ट है, भक्ति मूवमेंट अकबर के टाइम में जो ज्यादा उरूज पकड़ गई, इस सब की वजह से जो नुकसान हो रहा था वो इस्लाम के ट्रू स्प्रिट को हो रहा था। हमारी जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके ऊपर जो पहले मुस्लिम टैग था वो हट गया था, क्योंकि अब तो वो मुस्लिम रियासत नहीं कहलाएगी जो इस्लाम की ट्रू टीचिंग्स पे ही नहीं है। तो ऐसे में समवन जिसको हम शेख अहमद सिरहिंदी के नाम से जानते हैं, 1564 से 1624 इनकी जो है टाइमलाइंस हैं पैदाइश और डेथ की, तो ये शेख अहमद सिरहिंदी साहब, इन्होंने इस वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट को, दीन इलाही को काउंटर किया अकबर के दौर में। इनका वैसे जो सर्विसेज हैं वो हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्कशन में बात आई है, ये एक रिफॉर्मर थे शेख अहमद सिरहिंदी साहब, इन्होंने करेक्ट किया जो सूफीज जिस आइडियोलॉजी पे चल रहे थे कि वहदतुल वजूद, हर कोई जो है, हर किसी के अंदर खुदा है, इस डॉक्ट्राइन को इन्होंने दूसरे आइडियोलॉजी से जो ट्रू इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है आइडियोलॉजी, दैट इज वहदतुल शहूद, इन्होंने कहा कि जो आपने वहदतुल वजूद की आइडियोलॉजी स्प्रेड की है वो गलत है, वो अन इस्लामिक है, असली आइडियोलॉजी है वहदतुल शहूद, हम जो है खुदा की वाहिद होने का शहादत देते हैं, वो हमारा हमारे साथ, हम इंसान खुदा नहीं है, इंसान के अंदर खुदा नहीं है, खुदा एक अलग एंटिटी है जिसकी इबादत की जाती है। तो ये वहदतुल वजूद की आइडियोलॉजी की एक अपोजिंग थ्योरी थी, जो थ्योरी नहीं थी, एक आइडियोलॉजी थी जो ट्रू इस्लाम को रिप्रेजेंट करती थी, ये शेख अहमद सिरहिंदी ने दी, और ये जो सूफी की डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी थी वहदतुल वजूद, उसको इन्होंने काउंटर किया। अगर यहाँ पे अकबर के दौर की वजह से ये जो दीन इलाही की एक जनरेशन गुजर जाती और शेख अहमद सिरहिंदी की भी यहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं होती, तो अगर एक जनरेशन ऐसे में गुजर जाती तो लोग तो खुदा और उसके क्रिएशन के बीच में जो डिफरेंस है उसे ही भूल जाते। जब एक जनरेशन गुजर जाती वो दीन इलाही को ही असली मकसद समझना शुरू कर देते। और शेख अहमद सिरहिंदी साहब ने जिहाद परफॉर्म किया, लेटर्स लिखे मुख्तलिफ लीडर्स को, और उन्हें अवेयर किया कि भाई ये जो दीन इलाही की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे इस रीजन में, वो एक अन इस्लामिक काम हो रहा है। उसी वजह से अकबर ने, जो उस वक्त का रूलर था, उन्होंने शेख अहमद सिरहिंदी साहब को जेल में डलवा दिया। बट एक ऐसी पॉइंट हुई जहाँ पे हमने ये रियलाइज किया कि शेख अहमद सिरहिंदी तो सक्सेसफुली अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचा चुके थे, जिसका डायरेक्ट असर अकबर के बेटे पे हुआ। अकबर जो दीन इलाही का रिलीजन लेके आया था, उसका बेटा जहांगीर, उसने जब थ्रोन को
गद्दी को इनहेरिट किया तो उन्होंने थिंग्स को वापस ऑर्डर में रख दिया। उन्होंने शेख अहमद साहब को इस्लाम की सही तालीम लोगों तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी दे दी और एक बार फिर इस्लाम सेव हुआ। क्यों? क्योंकि जो है शेख अहमद सिरंदी साहब हैं, उन्होंने सही आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचा दी थी और जो उस वक्त का लीडर था, रूलर था, उसके बेटे तक शेख साहब ने अपनी आइडियोलॉजी, अपना ट्रू इस्लाम का जो लेसन है उस तक पहुंचा दिया और उनके उसकी वजह से ही उन्हें जेल से भी निकाला गया और उन्हें वापस ये ड्यूटी दी गई कि जो लोगों में बिगाड़ आ गया है, इस्लाम का जो एक स्प्रेड था उसको, उसमें रुकावट आ गई है, उसमें आप जो है वापस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, लोगों को वापस ट्रू इस्लाम की तरफ ले आए। और एक बार फिर एक रिफॉर्मिस्ट की सर्विस की वजह से इस्लाम जो है वापस उसकी ग्रोथ सब कॉन्टिनेंट में एज यूजुअल होना शुरू हो गई। लोग जो डिविएट हो गए थे अकबर के दीन इलाही की वजह से वापस रस्ते पे आना शुरू हो गए। आगे जी, उसके अलावा शाह वली उल्लाह साहब जो हैं, उसका भी यहाँ पे इस दौर में नहीं, जर्नल मेंशन कर देते हैं, 1703 से लेकर 1762 तक उन्होंने मुसलमानों को मराठास से जो है बचाया। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान किंग थे उनको उन्होंने लेटर्स लिखे। शाह वली उल्लाह साहब ने भी जो है कुरान की ट्रांसलेशन की पर्शियन में, जैसे यहाँ के लोकल लोग सिर्फ कुरान को पढ़े नहीं, उसे समझ पाए और ट्रू जो मैसेज है इस्लाम का वो लोगों तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे जो जो रिफॉर्मर्स है, रिफॉर्मर्स थे, उनका भी एक रोल नजर आता है। उनके रोल के बिना अगर लीडर्स पे छोड़ देते तो वो अपनी आइडियोलॉजी पे लोगों को चलाते और जनरेशन गुजर जाती तो एक बड़ा नुकसान हो जाता जिसको शायद हम वापस रिकवर भी नहीं कर पाते। आगे चलते हैं जी। एक जर्नल पॉइंट है कि ट्रेडर्स की वजह से भी इस्लाम की ग्रोथ हुई है सब कॉन्टिनेंट में, पहले भी हमने डिस्कस किया लेकिन अलग से एक हेडिंग में इसको डिस्कस कर लेते हैं। 7th सेंचुरी में अरब ट्रेडर जो है वो इस सब कॉन्टिनेंट के रीजन में आए। ये जो मालाबार का रीजन है केरला में, जो मैप पे मैंने आपको दिखाया है, इसको इन्होंने लिंक किया ईस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जो नीचे साउथ है उसका ईस्ट, यहाँ पे जो एशिया जैसे सीलोन का जो रीजन है उसके साथ इन्होंने लिंक किया इसको, और मालाबार का जो दूसरा लिंक था वो अरब रीजन के साथ था। तो ये इनकी फ्रीक्वेंट जो ट्रेडिंग होती रहती थी, इसकी वजह से जो लोकल लोग हैं वहां के रहने वाले वो इस्लामिक टीचिंग से एक्सपोज होते रहते थे। एक हिस्टोरियन की किताब है, इलियोट एंड डाउसन, इनकी एक किताब है, दो हिस्टोरियंस हैं, जिसका टाइटल है, या आप अपने पास लिख लें पूरा, मैं शायद नाम ना लिखूं, इनकी किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडियंस इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन। ये एक किताब है, उसमें इलियट एंड डाउसन ये कहते हैं कि जो फर्स्ट शिप थी मुस्लिम ट्रेडर्स की वो इंडियन कोस्ट के, जो इंडियन कोस्ट है ये इस रीजन में, इलियट एंड डाउसन अपनी किताब में द हिस्ट्री ऑफ इंडियंस एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन में कहते हैं कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स की पहली शिप थी वो 1630 AD में नजर आई थी। तो देखें कितना पहले से जो ट्रेडर्स है, जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं, वो इस रीजन में आ पहुंचे थे। तो इन ट्रेडर्स के यहाँ 1630 से आने से इस्लाम की ग्रोथ यहाँ पे हुई। ट्रेडर्स जो अरब ट्रेडर्स थे वो न्यू रिलीजन लेके आए थे। इन्होंने, इन्हीं ट्रेडर्स ने ईरान के अंदर किरमान, जो मैंने आपको मैप में दिखाया है, इन्हीं ट्रेडर्स ने उसको कंकर किया था। इन्हीं ट्रेडर्स ने मकरान बलूचिस्तान में अपना जो है गढ़ बनाया था। एक तरह से ये लिंक बनाते जा रहे थे जो भी कोस्टल रीजन में शहर हैं, जो सी पोर्ट्स हैं, और वहां के लोकल्स तक न्यू रिलीजन को फैला रहे थे। अब उसके बाद बाबुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन है, उसने इस्लाम को फैलाया, जो हमने पहले बात की। लेकिन यहाँ पे देखें ना, इस्लाम जो है सिर्फ इन्वेजन से नहीं फैला। इन्वेजन से सिर्फ इस्लाम फैलता तो दूसरे रीजन भी फैल जाते इन्वेजन से। हलाकू खान जो मंगोलों के लीडर थे, उन्होंने तो आधी दुनिया फतह कर दी, लेकिन वो बुद्धिज्म तो नहीं फैला पाए कहीं पे इतना ज्यादा।
तो ये एक चीज जो है यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इस रीजन में सूफीज्म की वजह से भी इस्लाम फैला है। अब सूफीज्म बेसिकली कहते हैं इस्लामिक मिस्टिसिज्म को। इस्लामिक मिस्टिसिज्म एक ये एक आप समझ लें कि एक आइडियोलॉजी है, एक वे ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ है, जिसमें जो इसके स्कॉलर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि खुदा के ज्यादा से ज्यादा करीब कैसे हुआ जाए, आप अपनी वर्शिप में परफेक्शन किस तरह से लाएं और जिंदगी को ज्यादा मॉडेस्ट अंदाज से किस तरह से गुजारा जाए। तो सूफीज जो थे इनकी वजह से भी इस्लाम जो सब कॉन्टिनेंट के रीजन में किसी बहुत ज्यादा हद तक फैला है। मोहम्मद बिन कासिम ने तो 77th सेंचुरी में जो है उन्होंने इन्वेजन किया इस रीजन में, लेकिन जो सूफीज हैं उन्होंने 12th एंड 13th सेंचुरी में इस रीजन में उनका आना शुरू हुआ। दो पॉइंटर्स माने जाते हैं सूफीज्म के सब कॉन्टिनेंट के अंदर। नंबर वन, शेख अब्दुल कादिर। नंबर टू, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है ये। नंबर टू, हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। ये दो जो प्रोमिनेंट नाम हैं ये सूफीज्म के पॉइनर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब जो प्रोमिनेंट सूफीज हैं जिनकी सर्विसेज को ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के केस में काउंट किया जाता है, उसको मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं। वैसे तो जो सूफीज्म की जो ब्रांचेज हैं वो चार ब्रांचेज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए इन जनरल। नंबर वन, कादरिया। नंबर टू, चिश्तिया। नंबर थ्री, सोहरवर्दी सोहरवर्दिया। नंबर फोर, नक्शबंदिया। ये चार जो हैं सूफीज्म की ब्रांचेज हैं, या चार ऑर्डर्स कह लें, जो ग्रैंड मास्टर्स कह लें, जो वलीज हैं। वली वो होता है जो एक सूफी सिलसिले को जिसने स्टार्ट किया, और उसकी अगर चेन आप निकालें, उसका टीचर तो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी चेन जाके जुड़ती है। तो चार प्रोमिनेंट जो सूफी सिलसिले हैं, जो सूफी की ब्रांचेज हैं, वो ये हैं: कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया। जो सूफीज्म के जनरल फैक्टर्स हैं जो लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, वो लोगों के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन प्यार शो करते थे, सबके लिए सेम्पथी शो करते हैं। सूफीज जो हैं वो भाईचारे की बात करते हैं। वो जो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज जो होती हैं, फलाही काम जो है, उसमें सबसे आगे होते हैं सूफीज। तो ये जो फैक्टर्स हैं सूफीज्म के, जनरल अफेक्शन, सिंपथी, ब्रदरहुड और अनलिमिटेड आप जो है फलाही काम करें, तो ये लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी चीजें। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो प्रोमिनेंट सूफीज थे। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए, हिम्मत मत हारें, लेक्चर के आखिर तक हम आ पहुंचे हैं। चीजें जो हैं कंप्लीट करते जाएंगे तो कोर्स कंप्लीट होगा। तो जो प्रोमिनेंट सूफीज हैं, जो प्रोमिनेंट सूफीज हैं उन्हें अगर हम दो एरियाज में डिवाइड कर दें, ये आज का इंडिया और ये आज का हमारा पाकिस्तान, तो
पाकिस्तान के तीन रीजन्स में, तीन शहरों में जो प्रोमिनेंट सूफीज के नाम हमारे आते हैं, जो हम सूफीज़म की सर्विसेज में उन्हें काउंट करते हैं, पाकिस्तान का लाहौर का रीजन, पक पठान का रीजन, मुल्तान का रीजन। देखिए मैप पे ये मैंने तीनों शहर लोकेट किए हैं, और इंडिया में जो दो रीजन्स हैं, अजमेर का रीजन, दिल्ली का रीजन। अब लाहौर में कौन से सूफीज हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, नंबर वन पे है दाता गंजबख्श, और नंबर टू पे है शेख इस्माइल बुखारी। और अगर पक पठान में देखें तो पक पठान का जो प्रोमिनेंट सूफी है, दैट इज बाबा फरीद। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में बहाउद्दीन जकरिया, जिसके नाम से यूनिवर्सिटी भी है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिल्ली में जो प्रोमिनेंट सूफी है, दैट इज निजामुद्दीन और औलिया। गाना सुना है ना इंडियन मूवीज में इनके नाम पे, वही है। और अजमेर में है प्रोमिनेंट सूफी, अजमेर से, दैट इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब थोड़ा सा ये लिंक, ये आपको डायग्राम कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी, तो ये जो है आपके लिए एक असासा है। ये जो बाबा फरीद हैं, इनका लिंक है निजामुद्दीन औलिया के साथ। ये टीचर हैं बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया के। और ये जो निजामुद्दीन औलिया हैं, ये खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के फोर्थ सक्सेसर हैं। तो ये इनका इस तरह से आपस में भी लिंक है। ये जो सूफीज होते थे, इनका गोल होता था कि ये एहसान के लिए स्ट्राइव करें। अब एहसान जो है इस्लामिक टर्म है, हमारे कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है। एहसान का मतलब होता है कि आप वर्शिप में, खुदा की इबादत में जब परफेक्शन लाने की कोशिश करें तो उसे एहसान कहते हैं। अब वो परफेक्शन क्या है कि इबादत करने वाला इंसान ऐसे महसूस करे कि खुदा उसको देख रहा है, तो ये लेवल वाली परफेक्शन हासिल करने को एहसान कहते हैं। और सब सूफीज का स्ट्रगल यही होता था कि एहसान के लेवल वाली जो परफेक्शन है वर्शिप में, वो हासिल की जाए। अब इन सूफीज का थोड़ा थोड़ा सा मैं सबका बता देता हूं आपको। सबसे पहले जो शेख इस्माइल बुखारी हैं, ये जो लाहौर के सूफी हैं, ये इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने हजारों की तादाद में जो हिंदूज हैं उनको मुसलमान किया, उनको कन्वर्ट किया। ये फ्राइडे के सरमन्स जब देते थे तो हजारों लोग इनके सरमन्स को सुनते थे। और इनके लिए कहा जाता है, शेख इस्माइल बुखारी के लिए, ये किसी से उस वक्त तक हाथ नहीं मिलाते थे जब तक वो इस्लाम में दाखिल ना हो जाए, जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए। तो इनकी मोहब्बत में लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते थे। उसके अलावा जी, ये नंबर टू पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, हम अजमेर चले गए यहाँ पे, इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने चिश्ती सिलसिला जो है वो शुरू किया, एक सूफीज्म का सिलसिला है। और इनके लिए जो मशहूर सबसे किस्सा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जब सफर कर रहे थे दिल्ली से अजमेर तक, उसके दौरान इन्होंने रास्ते के अंदर 7,000 लोगों को इस्लाम के दायरे में शामिल कर लिया, कन्वर्जन हो गई 7,000 लोगों की। तो एक बड़ा नंबर है, ये तो एक मिसाल है, लेकिन इनसे लोग इतनी मोहब्बत करते थे, चाहे वो मुसलमान हों या ना हों, तो इनके करीब आने के लिए, इनके रिलीजन के करीब आ जाते थे। तो ये सूफीज का एक बड़ा इम्पैक्ट था। बहाउद्दीन जकरिया, अगर हम इनकी बात करें, मुल्तान वाले सूफी, ये हाईली एजुकेटेड थे। इन्होंने शोरवर्दी जो सिलसिला है इंडिया में वो शुरू किया, और ये पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी से लोगों को इम्प्रेस करते थे, लोगों की वेलफेयर करते थे। और उस वेलफेयर की वजह से, बहाउद्दीन जकरिया की वेलफेयर की वजह से, लोग इस्लाम की तरफ मायल होते थे और कन्वर्जन लार्ज स्केल पे होती थी इसी वजह से। अगर पक पठान के सूफी
बहाउद्दीन पगपठान के सूफी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इनकी अगर बात की जाए तो बाबा फरीद भी इन्हें हम कहते हैं। वैसे ये एक पोइट थे, एलोक्वेंट पोइट थे, बहुत अच्छी पोइट्री करते थे। ये अपनी पोइट्री से लोगों की दिल जीतते थे, नॉन मुस्लिम्स की दिल जीतते थे, और लोग जो है इस्लाम की तरफ माइल होते थे इनकी इस सर्विस की वजह से। उसके अलावा निजामुद्दीन औलिया साहब, ये जो दिल्ली वाले सूफी थे, ये मैंने बताया कि ये जो हैं निजामुद्दीन औलिया साहब, ये बाबा फरीद के शागिर्द हैं। ये जो बाबा फरीद है पगपठान वाले, इनके शागिर्द हैं और अजमेर वाले सूफी के फोर्थ सक्सेसर हैं। ये तो इनकी क्वालिटी है। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो सर्विस के लिए हम एलिमेंट मानते हैं, दैट इज इनका स्टूडेंट आमिर आमिर खुसरा। ये आमिर खुसरा साहब जो निजामुद्दीन औलिया साहब के स्टूडेंट थे, इन्होंने सूफीज्म में एक नए मोड की स्टार्टिंग की, दैट इज कवाली। और देखें कवाली की वजह से कितने लोग जो नॉन मुस्लिम हैं इस्लाम की तरफ आए। और आखिर में ये लाहौर वाले सूफी दाता गंजबख्श या अली मखदूम हजवेरी भी इन्हें कहते हैं, दाता गंजबख्श, ये एक सूफी फिलोसोफर थे। इन्होंने भी बहुत ज्यादा मिशनरी वर्क किया, इन्होंने प्रीचिंग की इस्लाम की डायरेक्ट, और उसी प्रीचिंग की वजह से लोग इस्लाम के दायरे में आए। अब ये इन सूफीज का एक बड़ा स्ट्रगल था, जिसकी वजह से जो फ्यूचर की इस्लामिक स्टेट है वो भी कयाम में आई। तो सूफीज के रोल को हम इग्नोर नहीं कर सकते जब भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लाम की ग्रोथ की बात करें हम। उसके अलावा जी, जब हम इस्लाम की ग्रोथ की बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो हम उलेमाज की सर्विसेज को, क्लर्जी को, रिफॉर्मर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैंने आपको रिफॉर्मर्स में शाह वलीउल्लाह का बता दिया, शेख अहमद सिरहंदी साहब का बता दिया, अकबर के रोल को जब हम उसके इरा को डिस्कस कर रहे थे तो हमने रिफॉर्मर्स को डिस्कस कर लिया। लेकिन जो क्लर्जी हैं, जो नॉर्मल हमारे मौलानाज थे, जो मस्जिदों में फ्राइडे सर्मन्स देते थे, उनका भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता था। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे जो इस्लाम के दायरे में तो हैं, लेकिन उनको टीचिंग के लिए, गाइडेंस के लिए फ्राइडे सर्मन्स के जरिए अपनी रिलीजन के करीब रखा जाता था। ये वो लोग थे जो अगर कुछ गलत हो सोसाइटी में, अन इस्लामिक हो, तो उस पर फतवा दे देते थे। और उलेमाज उलेमाज बेसिकली ये वही हैं जिनकी, रिफॉर्मर्स की हमें बात हो रही है, एक ही किस्म का नाम है। लेकिन जो मॉडर्न टाइम के रिफॉर्मर्स थे, जैसे जिसमें हम सर सैयद अहमद की बात करते हैं, जी सादिया ने रिफॉर्मर्स का मैसेज किया है। सादिया, रिफॉर्मर्स हम अलग से कवर करेंगे, पूरे डिटेल में जो सिलेबस में गिवन है उनको कवर करेंगे हम, आपने फिक्र नहीं करनी। सो जो उसके अलावा जो मॉडर्न हमारे रिफॉर्मर्स थे, सर सैयद अहमद खान, इकबाल, इनका भी एक बड़ा रोल है मुस्लिम सोसाइटी के ग्रोथ में। सर सैयद अहमद खान ने तो ट्रिनिटी पॉलिसी के जरिए मुसलमानों को अपनी जो है खोई हुई जो ताकत है उसको गेन करने में हेल्प की। इनकी ट्रिनिटी पॉलिसी हम डिटेल में बाद में भी करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनकी ट्रिनिटी पॉलिसी थी कि आपने पॉलिटिक्स से दूर रहना है जब तक आप पॉलिटिक्स के लिए रेडी नहीं हैं, आपने ब्रिटिश के साथ लॉयल्टी रखनी है, आपने मॉडर्न एजुकेशन हासिल करनी है। तो ये मॉडर्न टाइम के हमारे रिफॉर्मर्स थे जिसने मुस्लिम सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट होने से बचाया, उन्हें जो टूल्स थे उन्हें हेल्प कर सकते थे आज के दौर में आगे बढ़ने के लिए उसकी तरफ ले आए। इकबाल जो थे ये पोइट थे, फिलोसोफर थे, ये हमेशा मुस्लिम यूनिटी को स्ट्रेस करते थे, मुस्लिम उम्मा की बात करते थे। इकबाल की जब हम बात करते हैं तो आपको इकबाल का शेर भी याद आता होता होगा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो हरम की पासबानी के लिए कहते थे कि मुसलमानों को एक होना है, कासगर से लेकर आपको नील के साहिल तक, जो भी मुसलमान रहते हैं दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक, सबको एक होना है। तो ये यूनिटी की बात अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को इन्होंने
बार बार रिपीट करके बताई, और इन्हीं रिफॉर्मर्स की वजह से आगे जाके जो इस्लाम की ग्रोथ है वो उस लेवल पे जाके पहुंची कि अलग स्टेट भी जाके क्रिएट हुई, जिसको हम आज की डेट में पाकिस्तान कहते हैं। आखिरी पॉइंट है इस हमारी पूरी डिस्कशन की, दैट इज पॉलिसीज ऑफ मुस्लिम रूलर्स, उन पॉलिसी, वो पॉलिसीज जिनकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ हुई सब कॉन्टिनेंट में। अब देखें, पहले पॉलिसीज की बात करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि इस्लाम का रूल था सब कॉन्टिनेंट में उस रूल के दौरान, या मुसलमान जब रूलर थे तो उस दौरान तो इस्लाम की ग्रोथ होती थी, यानी इस्लाम की ग्रोथ से मुराद मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ हो रही थी। पर ये परसीव करना बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों की जो ग्रोथ है इस रीजन में सिर्फ मुस्लिम रूलर्स की वजह से हुई है। मुस्लिम रिफॉर्मर्स ने भी उससे हेल्प किया है, मिशनरीज ने भी हेल्प किया है, जो प्रीचर्स हैं उसने भी हेल्प किया है। इवन इस्लाम की ग्रोथ तब भी हुई है इस रीजन में जब हमारी कोई पॉलिटिकल बेकिंग नहीं थी। अब इसका सबूत क्या है, आप अगर ब्रिटिश की सेंसस को रेफर करें, 1891 का ब्रिटिश का सेंसस है, उस सेंसस होता है जब आपकी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, लोगों का जेंडर रिलीजन सब उसमें लिस्ट किया जाता है। 1891 का जो ब्रिटिश का सेंसस है उसमें ये उन्होंने दिखाया है कि बंगाल के अंदर हर 10,000 लोगों में उन्होंने देखा कि लास्ट 20 इयर्स में हर 10,000 लोगों में से 650 जो हैं न्यू मुस्लिम्स हुए हैं। अब ये वो दौर था जब मुसलमानों की कोई हुकूमत नहीं थी, तो इससे ये जाहिर होता है इस्लाम की ग्रोथ तब भी हो रही थी जब कोई मुस्लिम रूलर नहीं था, जब कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट मुसलमानों की नहीं थी, उस वक्त भी मुसलमानों की या मुस्लिम सोसाइटी की इंडिया में ग्रोथ हो रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ जब मुसलमान रूलर्स थे या मुस्लिम रूल था सब कॉन्टिनेंट में, उसने भी इस्लाम के एवोल्यूशन में या इस्लाम की ग्रोथ में हेल्प किया है। देखिए, जब हम पॉलिटिकल रूल की बात करते हैं तो पॉलिटिकल फैक्टर ही मेन रीजन था जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बहुत बार मुसलमानों ने इन्वेजन्स की, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो या गजनवी हो। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर था जो बाद में रिलीजन को स्प्रेड करने में जिसने हेल्प किया और मुस्लिम सोसाइटी वहां पे, मुस्लिम स्टेट्स स्टेबल हुई इंडिया के अंदर। अब अगर पॉलिसीज को इन जनरल पॉलिसीज को लिस्ट करें तो वो हम पहले तो मोहम्मद बिन कासिम से ट्रेस करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जब 7th सेंचुरी में आए, बार बार मैं 17th कह देता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम जब आए उनकी पॉलिसी थी शरिया पॉलिसी। तो इस पॉलिसी ने लोकल्स को इन्फ्लुएंस किया। इस पॉलिसी के तहत जो जिमीज का कॉन्सेप्ट था, या जिसे हम धिमी भी कहते हैं कभी कभी, यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कुछ जजिया देना पड़ेगा, कुछ टैक्स देना पड़ेगा, वो मुस्लिम स्टेट में अंडर मुस्लिम रूलर प्रोटेक्शन में रह सकते हैं। तो ये पॉलिसी जो है लोकल्स को इसने इन्फ्लुएंस किया, इक्वल ट्रीटमेंट जो उनको मिलता था उसको शरिया की पॉलिसी के अंदर वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और अगर उसके अलावा हम नंबर 2 पे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो उन्होंने प्योर इस्लामिक, कुतुबुद्दीन ऐबक शाह, उन्होंने प्योर इस्लामिक जो है सोसाइटी कायम की, दिल्ली को उसने सेंटर बनाया मुसलमानों का। ये जो दिल्ली को सेंटर बनाने वाली पॉलिसी थी इसने भी इस्लाम की स्प्रेड में हेल्प किया। नंबर थ्री पे ये 1, 2, 3 नंबरिंग लगा दें, जब आप लिस्ट करेंगे कहीं पे तो आपको ये काम आ जाएगा। नंबर 3 पे जो मसूद था, गोरी डायनेस्टी वाला, ये महमूद का बेटा था, इसने अपने साथ बहुत से ये सूफीज लेकर आया था, जैसे अली हजवेरी साहब। तो ये सूफीज को इंडिया के अंदर लेके आना, ये पॉलिसी जो है आगे कंटिन्यू रही। मिशनरीज को बाकी लोग भी फिर लेके आते थे, तो इस पॉलिसी ने भी मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ में हेल्प किया। नंबर 4 पे हम देखें तो जो सुल्तान मोहम्मद तगलुक थे, उन्होंने बहुत से सूफीज को दौलताबाद में ट्रांसफ़र किया था। दौलताबाद
एक दिल्ली से बहुत ही दूर शहर था, लेकिन वहाँ पे ट्रांसफ़र करना सूफीज को, उसका डायरेक्ट फ़ायदा इस्लाम की या मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ में हुआ। एक ये उनकी पॉलिसी, सूफीज को एक शहर से दूसरे शहर भेज के लोगों को इस्लाम की तालीम के करीब लाना, ये पॉलिसी जो है आगे काम आई, बाकी लीडर्स ने भी इसको फॉलो किया। नंबर 5 पे आप शेर शाह सूरी जो है, जो सूरी डायनेस्टी जिन्होंने स्टार्ट की थी, शेर शाह सूरी, उन्होंने अर्बन सेंटर्स बनाए थे दिल्ली के अंदर और रोहतास के अंदर। ये सेंटर्स जो हैं, इन्हें मुस्लिम कॉलोनीज के नाम से जाना जाता था, और ये सेंटर भी मुस्लिम टीचिंग्स को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा रोल था। आगे नंबर 6 पे आप अकबर का यहाँ पे दोबारा से लिस्ट कर सकते हैं कि अकबर ने हेमू बकल को डिफीट किया। नंबर 7 पे जो जहांगीर है, उसने शेख अहमद सिरंदी साहब को वापस अपॉइंट किया कि आप इस्लाम की रियल पिक्चर को पॉइंट करें, क्योंकि उसके अब्बा ने दीन इलाही का कॉन्सेप्ट सामने ला के जो है लो पॉइंट पे रख दिया था इस्लाम की ग्रोथ को। तो ये जो इसकी जहांगीर की पॉलिसी थी, इसने भी ज़्यादा हेल्प किया। और इन जनरल जो मुसलमान लीडर्स थे, उनकी नेशनलिस्ट पॉलिसीज जो होती थी, वो भी हेल्प कर रही थी इस्लाम के ग्रोथ के लिए। तो जी, हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट। हमने बहुत से डायमेंशन इस ग्रोथ के देख लिए हैं, आखिरी बस डायमेंशन है ये, छोटा सा है। हमने देखा कि सूफीज के काम की वजह से भी इस्लाम की ग्रोथ हुई, लीडर्स की पॉलिसीज की वजह से भी इस्लाम की ग्रोथ हुई, और रिफॉर्मर्स की वजह से भी इस्लाम की या मुस्लिम सोसाइटी की इस रीजन के अंदर ग्रोथ हुई। लेकिन उसके अलावा कुछ जर्नल अदर फैक्टर्स भी थे, जिसमें पहला था नंबर 1 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ मुस्लिम्स। अब इसमें जो मुसलमानों की जो पॉलिसी थी, वो जो बिजनेस कम्युनिटी है, जैसे हम मर्सेंटाइल कम्युनिटी कहते हैं, हमारी लीडर्स की जो पॉलिसीज थी, उसमें जो टैक्स है या ड्यूटीज जो हैं, वो बिजनेसेस पे कम लगाई जाती थी। तो ये जो पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी है या इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये भी जो है नॉन मुस्लिम को अट्रैक्ट करती थी मुस्लिम सोसाइटी की। और कोई जो है न्यू ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए जाते थे, और इन न्यू ट्रेडिंग सेंटर्स की वजह से ही मुसलमानों का जो है नॉन मुस्लिम के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता था, और उस इंटरेक्शन की वजह से उन तक मुस्लिम आइडियोलॉजी पहुंचती थी और इस्लाम की एक तरह से ग्रोथ हो रही थी। नंबर 2 पे जी, जो जर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी की इस रीजन में ग्रोथ हुई, दैट इज़ ड्यू टू अवर कल्चर, आर्किटेक्चर, और जो उस वक्त की मुस्लिम लीडर्स की प्रो टेक्नोलॉजी पॉलिसीज होती थी। तो हमारा जो ट्रेड है, डेवलपमेंट है या आर्किटेक्चर है, वो भी एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को इस्टेबल करने में, अपनी आइडेंटिटी डिफरेंट तरीके से हाईलाइट करने में हेल्प करता था। और जो बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, लोअर क्लास हिंदूज हैं, वो हमारे कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, और हमारा आर्किटेक्चर जो है वो भी जो है लोगों को इस रिलीजन के या इस ग्रुप ऑफ पीपल के करीब करने में बड़ा ही जो है किरदार इसने निभाया। जैसे हमारे आर्किटेक्ट्स होते थे ईरान से, इराक से, सेंट्रल एशिया से, वहाँ से जो टाइल्स मंगवाई जाती थी, फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें उससे तैयार की जाती थी। तो ये भी एक जो है लोगों के दिलों के अंदर एक जो है चाहत पैदा होती थी कि भाई ये किस टाइप का जो है कल्चर है, आर्किटेक्चर है, इन लोगों को जाना जाए, इनके करीब हुआ जाए। तो ये चीज़ें जो है मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिया में उनकी जो ग्रोथ हो रही थी, उसमें इसका बड़ा किरदार था। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जो सुल्तान थे उस वक्त,
जैनुल आबदीन कश्मीर के सुल्तान थे, वो लोकल्स को समरकंद भेजते थे बुक बाइंडिंग सीखने के लिए, पेपर वर्क सीखने के लिए। तो ये जो दूसरे लोग होते थे उस रीजन में, वो भी इन्फ्लुएंस होते थे इस न्यू टेक्नोलॉजी से जो मुसलमान अपने रीजन से सीख के आते थे, तो वो भी उनके साथ जुड़ के वहाँ पे जाते थे और टेक्नोलॉजी सीखने के चक्कर में वो उनके साथ वक्त गुजारते थे। तो ये भी एक तरह से जो शिमाल फैक्ट्रीज का वर्क होता था, कारखानाज का जो कॉन्सेप्ट है, ये वो उस वक्त डेवलप हुआ जब मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे इस रीजन में। तो वो इंडस्ट्रीज का हब, टेक्नोलॉजी का हब, एक रिलीजियस स्प्रेड का हब भी बन जाता था। बस हम कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। सो हम जर्नल फीचर्स की बात कर रहे थे, जर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे थे जिन्होंने हेल्प किया मुस्लिम सोसाइटी की ग्रोथ में इन द सब कॉन्टिनेंट, जिसमें हमने कल्चर की बात की, आर्किटेक्चर की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, एजुकेशन भी इसमें आ जाता है, टेक्निकल एजुकेशन। और उसके अलावा एक जर्नल फीचर था, दैट इज फ्लॉज इन हिंदुइज्म। ये एक ब्लेसिंग थी इन डिसगाइज, आप इसे कह सकते हैं। हिंदुइज्म में जो फ्लॉज थे, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, सती कल्चर हो गया, जब उसमें ऐसा होता था कि हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता, तो ये एक बारबेरिक प्रैक्टिसेस, कुछ लोगों को निचली तबके से समझा जाता था, उनसे हाथ नहीं मिलाया जाता था। शूदर जैसे इंडिया कास्ट सिस्टम है, इंडिया में कौन है वो हिंदू में कास्ट सिस्टम होता है। तो ये सारी जो उनकी जो जो फ्लॉज थे हिंदुइज्म में, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। और वहाँ के लोगों ने इस्लाम को एज अ साइन ऑफ रिलीफ देखा कि हाँ, ये जो रिलीजन है ये हमारे लिए सही है, यहाँ पे इक्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, कोई बारबरिक प्रैक्टिसेस नहीं है, और उनके लिए एक रिलीफ का बायस बना इस्लाम वहाँ पे। तो आप जो थर्ड पॉइंट है इसमें, इन जर्नल इसमें आप लिख सकते हैं जो फ्लॉज थे हिंदुइज्म में, वो फ्लॉज बने हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मुस्लिम सोसाइटी ग्रोथ में, जैसे इनका कास्ट सिस्टम हो गया, जैसे सती का कल्चर हो गया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू था हिंदू रिलीजन में, ये मुसलमान की ग्रोथ में एज ब्लेसिंग का काम किया इसने। आप इसका कंक्लूजन करें तो आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, या इस पूरी डिस्कशन को जो इस्लाम की ग्रोथ है इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई, इस्लाम ने जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनके दिमाग पे एक गहरा असर छोड़ा, और इस्लाम ने उन लोगों की जिंदगियों को अपसाइड डाउन चेंज कर दिया, या कम्प्लीटली लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया। लोगों की सोच इस्लाम ने तब्दील कर दी वहाँ के जो लोग थे, और जो मुस्लिम सोसाइटी है उसको एक वेलकम फ्लिप की तरह, एक वेलकम मूव की तरह इंडिया के लोगों ने वहाँ पे एक्सेप्ट किया। न्यू कल्चर था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, नई सोशल डेवलपमेंट थी जो वहाँ के लोगों को बहुत ही डिफरेंट लगी और अच्छी लगी, और जो इंटर रिलीजियस हारमोनी है उसकी भी इस्लाम बात करता था। तो ये सारे एलिमेंट जो इस्लाम के हैं वो वहाँ के लोगों को बहुत ही फेवरेबल लगते थे, और उन्होंने इस रिलीजन को एक्सेप्ट, ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि एम्ब्रेस किया। दो मुस्लिम सोसाइटी ने अप्स एंड डाउन्स तो एक्सपीरियंस किए, कभी फायदे में होती थी ये सोसाइटी, लेकिन कभी या तो डिविएट हो जाते थे लोग टीचिंग से, या डाउन टर्न आ जाता था, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि पॉजिटिव इफेक्ट तो इस्लाम ने सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे छोड़े, और रिफॉर्मर्स ने इस सोसाइटी के लोगों को जो कभी डिविएट हो जाते थे उसको वापस राह पे रखा। जो रूलर्स हैं उनकी पॉलिसीज ने इस्लाम की ग्रोथ में हेल्प किया, और इन जर्नल जो मिशनरीज का वर्क है उसको भी हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते इस्लाम की ग्रोथ में। तो जी, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक इस्लाम की ग्रोथ वाला कंक्लूड होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया कि किस तरह से अब मुस्लिम सोसाइटी की सब कॉन्टिनेंट के अंदर ग्रोथ हुई, वो कौन से फैक्टर्स थे, वो आइदर रिफॉर्मिस्ट थे, वो
उलेमास थे, रूलर्स की पॉलिसीज थी, किन किन जरियों की वजह से मुस्लिम सोसाइटी की इस रीजन के अंदर ग्रोथ हुई, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब एक इस पोर्शन की, इस डिस्कशन का एक दूसरा पार्ट भी है, दैट इज वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी का इस रीजन में डाउनफॉल हुआ और मुस्लिम सोसाइटी डीजनरेट हुई 17th and 18th century के दौरान। अब ये 17th century वो दौर था जहाँ पे आप अगर यूरोप को देखेंगे तो उसमें मोनार्चीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना बना रही थी, पर अगर इंडिया में देखें हम तो इंडिया में जो मुस्लिम रूल है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब ऐसा क्यों है? बहुत से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस डाउनफॉल के लिए। नंबर वन, फैक्टर या कॉज कह लें, दैट इज नो सक्सेशन प्लान। ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मुस्लिम रूल का डाउनफॉल हुआ इंडिया के अंदर। कोई सक्सेशन प्लान नहीं था क्लियरली डिफाइंड। सक्सेशन प्लान कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम में एक किंग है तो उसके बाद ये जो थ्रोन है वो किसको मिलेगा और उसको मिलने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए। सो जब भी इंडिया के अंदर किसी किंग की, मुस्लिम किंग की डेथ हो जाती थी तो उसके जो बेटे होते थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे। ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो यही सिनेरियो हमें यहाँ पे नजर आता था। थ्रोन के लिए भाई आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे जान से, एक दूसरे को जेलों में बंद कर देते थे जिसे हम इनकार्सिनेशन कहते हैं। तो आखिर में जो विक्टर बचता था वही गद्दी पे बैठता था। जैसे आप औरंगजेब का अगर मिसाल ले लें, उसने ऐसा किया अपने भाई के साथ, अपने बाप की आंखें निकाल दी, बड़े भाई को पिंजरे में बंद कर दिया और उसने अपने बच्चों को तो अपने रॉयल कोर्ट में, कहा जाता है कि औरंगजेब ने आने ही नहीं दिया था कि जैसे उसे पोटेंशियल कोई थ्रेट ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुस्लिम रूल को वीक कर रही थी, मुस्लिम सोसाइटी का डाउनफॉल हो रहा था इस सक्सेशन प्लान के ना होने की वजह से। नंबर टू, दैट इज जो ज्योग्राफी थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी मुस्लिम एम्पायर की मुगलों के टाइम में। आप अगर देखें तो जो एम्पायर है, अफगान का कुछ रीजन, इंडिया, बंगाल, ये अगर इंडिया है, ये बंगाल से लेकर प्रेजेंट इंडिया, प्रेजेंट पाकिस्तान और अफगान का कुछ रीजन, ये इतनी ज्यादा बड़ी लेवल पे जो हमारी मुस्लिम एम्पायर है उसका एक्सपेंशन हो गया था, तो ये गवर्न करना बहुत मुश्किल हो गया था इस सारे बड़े एरियाज में। जो छोटी छोटी स्टेट्स थी इंडिया में, उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी जो है क्लेम करना शुरू कर दी कि भाई हम तो बादशाह को नहीं मानते, हमारी अपनी सल्तनतें हैं। तो ऐसे में एक अनरेस्ट की सिचुएशन पूरे इंडिया में मुस्लिम रूल के लिए फैल गई थी। तो एक दूसरा रीजन ये था इस इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी को गवर्न करना। नंबर थ्री, वो गवर्न करते भी कैसे, आपस में ही लड़ रहे हैं और स्टेट्स जो हैं अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर रही हैं और इतनी बड़ी टेरिटरी को एक सेंट्रल रूल के अंदर रखना बहुत मुश्किल था। नंबर थ्री, जो मुस्लिम रूलर्स थे उनकी मोरालिटी जो है, या जिसे आप इखलाकियात कह लें, वो डिटोरिएट या तबाह होते हुए नजर आ रही थी। किंग्स जो थे, मुस्लिम किंग्स, वो जो
लग्जरियस लाइफ की तरफ चले गए थे। अब उस लग्जरी में आप ऐड कर लें कि आप वुमनाइजिंग वुमनाइजर्स बन गए थे, बहुत से लोग अपनी इंटेलेक्चुअल डिवाइसेस को या अपने जहानत को ट्रेन करने के लिए कोई ज़्यादा ऐसी एफर्ट्स नहीं की जा रही थी, तो ऐसे में जो रूलर्स थे वो इनकॉम्पिटेंट हो गए थे, जैसे पावर के नशे में वो सिर्फ अपनी लग्जरी पे फोकस कर रहे थे। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इनकी आदतें मुस्लिम रूल को डाउनफॉल की तरफ लेके जा रही हैं। एक सेकंड, फैक्टर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट। तीन पॉइंट्स हमने देखी, कोई सक्सेशन प्लान नहीं था, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा थी, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा तो जो मुस्लिम रूलर्स थे उनकी मॉरलिटी डिटेरियोरेट हो रही थी, ख़राब हो रही थी, लग्जरी की तरफ वो चले गए थे। नंबर फोर जो है, कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी उस वक्त 18th सेंचुरी में। जो मुस्लिम आर्मी के कमांडर्स थे उन्होंने किंग के अगेंस्ट कंस्पायरेसीज करना शुरू कर दी। जो भले अगर आप बंगाल की बात करें या मुगलों की बात करें, जो आर्मी के कमांडर्स होते थे वो अपनी लॉयलिटी को थोड़े से वेल्थ की वजह से किसी और को ट्रांसफ़र कर देते थे। अपनी लॉयलिटी को, अपनी ईमानदारी को सेल करना एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई थी। तो एक तो जनरल्स कमांडर्स की कंस्पायरेसीज करना किंग के अगेंस्ट, पावर को ग्रेब करने के लिए ईमानदारी को बेचना, तो ये एक गैप क्रिएट हो गया था। इस गैप को फिर जो फॉरेनर्स थे, जो पोर्टुगीज थे, जो फ्रेंच थे, जो इंग्लिश थे, उन्होंने फिल कर दिया कि यहाँ पे तो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने किंग्स के खिलाफ ही कंस्पायरेसीज के लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्यों ना इस स्पेस को हम ऑक्यूपाई कर लें। और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि अपनी मुसलमानों की, मुस्लिम रूलर्स की आर्मीज में कंस्पायरेसीज चल रही थी अपने रूलर्स के खिलाफ, अपने किंग्स के खिलाफ। नंबर फाइव, जो रूलर्स थे उस वक्त के उनका जो इंटेलेक्ट था या सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। अब मैंने पहले भी बताया कि लग्जरी की तरफ रूलर्स चले गए थे, तो जब आप लग्जरी की तरफ जाते हैं, अपने अय्याशी को ज़्यादा प्राइम फोकस पे रखते हैं, तो ऐसे में एजुकेशन से वो दूर हो गए थे, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों की दूर हो गए थे, पपेट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे रूलर्स। तो जब आप अपने इंटेलेक्चुअल डिवाइसेस को ट्रेन नहीं करते तो आप इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, तो इसी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से एक स्पेस क्रिएट हो रही थी बाहर के लोगों के लिए। नंबर सिक्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी मुस्लिम रूलर्स की वो करप्ट हो चुकी थी। जो जैसे फॉर एग्जांपल आज के दौर में प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर ब्राइब लेना शुरू कर दें और अपनी लॉयल्टीज को शिफ्ट करें तो देखें गवर्नेंस पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। तो उस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था, जो किंग्स के जो कोर्टियर्स होते थे उन्होंने ब्राइब लेना शुरू कर दी थी और टाइमली अपनी लॉयल्टीज को शिफ्ट कर देते थे। तो इससे, इस लॉयल्टीज को शिफ्ट करने से जो मुस्लिम रूल था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो उसकी फाउंडेशन अंडरमाइन हो रही थी। जो उसका बेस होता है किंग और उसके कोर्टियर्स, अगर वही अपनी लॉयल्टीज शिफ्ट कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर करप्ट है तो फाउंडेशन ही वीक हो गई थी इसी वजह से। नंबर सेवन पे आप
इन्वेजन्स को भी एक रीज़न मान सकते हैं जिसकी वजह से मुस्लिम रूल वीक हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 1739 में नादिर शाह ईरानियन रूलर थे, उन्होंने इन्वेड किया इंडिया को। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने, जो नादिर शाह के एक तरह से सक्सेसर हैं, उन्होंने भी इन्वेड किया इंडिया को। और उस वक्त मुसलमानों का जो रूल था वो यहाँ के इस रीजन के मुसलमानों का रूल वीक हो गया। इन्होंने लूट और प्लंडर की, इनडिस्क्रिमिनेटरी किलिंग की, और इससे जो अथॉरिटी थी मुस्लिम अथॉरिटी वो वीक हो गई। और इसी के साथ साथ हमारी जो इस रीजन की मुस्लिम एम्पायर थी, इस इन्वेजन्स की वजह से इकोनॉमिकली वीक हो गई। तो ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम रूल वीक हो रहा था। नंबर 8 पे जो फैक्टर है, दैट इज राइज ऑफ सिक्स एंड मराठास। सिक्स, जो सिख थे वो नॉर्थ ऑफ इंडिया में होते थे, आज तक हैं, और मराठास दीज वर इन साउथ ऑफ इंडिया। ये अगर हम इंडिया का ऐसे रफ मैप बना लें तो ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है यहाँ पे सिख, साउथ वाले पोर्शन में मराठास। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो मराठास ने अपने इन्फ्लुएंस को ज़्यादा बढ़ा दिया, और सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमने देखा कि जो सिक्स हैं उनमें भी हमने देखा कि जब मुसलमानों के रूल को उन्होंने वीक होते हुए देखा तो बहुत सी स्टेट्स में सिख ज़्यादा पावरफुल हो गए। और जब सिख और मराठा ज़्यादा पावरफुल हो गए तो मुस्लिम रूल जो है वो इवोपरेट होते हुए नज़र आया हमें। जो आखिरी जो फैक्टर है जो मानते हैं कि जिसकी वजह से मुस्लिम रूल जो है तक बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, That was advent of East India Company. East India Company ये तो पहले एक कंपनी की तरह आई, आगे जाके इसने इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया और इंडिया को ब्रिटिश की कॉलोनी बना लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम कहते हैं कि जो मुस्लिम रूल में इसने लास्ट स्ट्रॉ का काम किया। ये कंपनी एज अ कंपनी आई, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो मुसलमानों की थी उसमें अपने लोग प्लांट करना शुरू कर दिए और वीक कर दिया पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बना जिसकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी का इस रीजन में डाउनफॉल हुआ। तो ये चंद रीजंस थे जिनकी वजह से हम कहते हैं कि इस खत्ते में मुस्लिम सोसाइटी का डीजनरेशन हुआ 17th एंड 18th सेंचुरी में। आगे ये एक असाइनमेंट है जो इस पूरी डिस्कशन के ऊपर आपने अटेम्प्ट करना है। असाइनमेंट में क्या है, ये सवाल है, ब्रीफली डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट